शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिव्या, दिव्या, हटिए, 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 दिव्या, चलिए, चलिए पीछे चलिए, भगवान, दिव्या, उठ बेटा, उठ, इतना बड़ा है तुझे, मेरे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आप इन्हें कैसे जानते हैं? वो लड़की मेरी स्टूडेंट थी। ये लड़की पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट थी। एक्चुअली कल से ये लापता थी और मिली भी तो इस हाल में मिली। सर हुआ क्या है? दिव्या नाम की स्टूडेंट का मर्डर हुआ है। और मौत कब हुई सर? बॉडी को देखकर लगता है कल ही हुआ है, बट नॉट श्योर। सर बॉडी को देखकर तो लग रहा है कि किसी ने उसका रेप करके मर्डर किया है। देखिए रेप हुआ भी होगा, बिफोर मर्डर और आफ्टर मर्डर, हम फिलहाल जज नहीं कर सकते। इस बात की पुष्टि तभी होगी जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैंने MBBS नहीं, मैंने BA किया है। ए, ए, जा यहाँ से, या मैं तो पागल हो जाऊंगा ना सर। 10 बज चुके हैं सर, आप मुहूर्त कब करेंगे सर? वो आखिर है कौन? उस आदमी का एक सीन शूट करना है, फिर 15 दिन में पूरा शूट खत्म करने कह रहे हैं। हे भगवान, मेरा तो टेंशन बढ़ता जा रहा है। आते ही होंगे सर। बॉलीवुड का हीरो हो चाहे टॉलीवुड का हीरो हो चाहे कॉलीवुड का हीरो हो, सबको चुटकी में बुला सकता हूँ सर, लेकिन वो कौन है? आ जाएंगे। सर ऑल ओवर इंडिया में मेरे ही हाथ में है सर। सर आपके प्रोडक्शन हाउस में मुझ जैसा डायरेक्टर फिल्म बना रहे, मतलब आपने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा सर। आ जाएंगे, आ जाएंगे। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही शूट करूंगा। सर वहाँ फाइनेंसर कहता है कि मैंने जो कहा वैसे शूट करना, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि अच्छे अच्छे स्टार को लेना, और वो थिएटर वाले कहते हैं एक बड़ा सा पोस्टर लगवा देना। ये सब मेरे रहते नहीं चलेगा सर। अगर आप एग्री करते हैं तो ये शूटिंग करेंगे, वरना इसी वक्त पैकअप कर देते हैं, मैं चला जाऊंगा। जा बे, जाना, अबे जाना। तब करेंगे, तब करेंगे, वो जब आएंगे तभी मुहूर्त करेंगे सर। आप नाराज मत होइए, वो जब आएंगे तभी क्लैप करेंगे। ओके ओके। ए तू इधर क्या कर रहा है? चल निकल, चल निकल। इतनी देर से हम लोग इस बुड्ढे का इंतजार कर रहे थे। अरे हमारे पिक्चर का क्लैप ये बुड्ढा करेगा? अरे तुम निकल रहे हो, भाग रहे यहाँ से। आइए आइए, इधर आइए। साला इतना ताव दिखा रहा था, अभी दिखाता हूँ। ए हट रे, हट रे, ए साइड हट, ए साइड हट। दादा दादा दादा, ये सोने का मुकुट क्यों पहन रखा है? सोने का मुकुट नहीं बे, सोने की बाली भी पहन रखी है, देखेगा। हे भगवान, आइए। अरे ये बूढ़े के हाथों से क्लैप क्यों करवा रहे? पिछले साल इसी प्रोड्यूसर ने शर्मिली नाम की फिल्म बनाई थी, तब मुहूर्त के लिए एक VIP को बुलाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। बड़े बुजुर्ग है सोचकर इनके हाथों क्लैप करवाया था और वो फिल्म सिल्वर जुबली चली, इसलिए इस बार भी इनसे ही क्लैप करवा रहे हैं। ये बूढ़ा प्रोड्यूसर के लिए बहुत लकी है। ये बात है, बड़े लोग है, उनकी बड़ी सोच है। सर मैं जब बोलूंगा तब क्लैप करना। ए, चल रे, ए, कैमरा रेडी है ना? ओके सर। क्लैप, क्लैप। दादाजी मैं चाहता हूँ कि हमारी फिल्म में आपका भी एक सीन हो, तब हमारी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। हाँ, रेडी एक्शन। हाँ, ये शॉट लेना चाहिए। ओके सर। एक्शन। जब धरती माँ को गुस्सा आता है तो आग उगलती है, समुद्र का गुस्सा आता है तो सुनामी आती है, और जब इस योद्धा का गुस्सा आता है तो एक पैर के नीचे सूरज को रखकर, दूसरे पैर के नीचे चंद्रमा को रखकर, उन्हें कुचल कर राख कर देता हूँ। हे भगवान। दादाजी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सॉरी सर। ए दादाजी को ठीक से लेकर जाना। ठीक है, गाड़ी में बैठी है। इसकी जो मैनेजर कहाँ है? क्या हुआ सर? ये लोकेशन से। ओके। हेलो मैनेजर, मेरी बात सुनो। क्या सर? दादाजी को ना मैं छोड़ दूंगा, उस खतारा गाड़ी में नहीं, मैं अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। ओके ठीक है। ओके सर। ड्राइवर चलो। ड्राइवर गाड़ी रोको। आपकी स्टेटस के हिसाब से ये गाड़ी सूट नहीं हो रही है, पीछे से बड़ी गाड़ी आ रही है, आप उसी में बैठ जाइए। पर मेरे लिए कार काफी है बेटा। डायरेक्टर साहब मुझे चिल्लाएंगे, प्लीज उतर जाइए। अगर ऐसी बात है तो मैं उतर जाता हूँ बेटा। ओके थैंक यू दादाजी। पता नहीं
आदमी कौन सी कार आएगी, मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। मेरे स्टेटस के हिसाब से यही कार होगी लगता है। ये गाड़ी रोक, ये गाड़ी रोक, रोक गाड़ी रोक। ए बुड्ढे टाटा बाय बाय। ए गालिया की औलाद तू सड़ेगा, तेरा एक्सीडेंट होगा। दादा हाँ, मुझे ना आगे हाँ, जाना है, आप यहीं उतर जाओ। मेरा घर यहाँ से दूर है, चुपचाप ले चलो मुझे। पहले वादा करो कि तुम जल्दी करोगे, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अबे जल्दी कैसे होगा, इसका इलाज तक लोगों से ढूंढ लिया है, ऐसे मैं जल्दी कैसे मर सकता हूँ। और 1000 साल जीऊंगा मैं, अबे मुझसे पहले तो सूल उड़केगा। चल भाग यहाँ से, चल भाग। सुना है हमारे गांव के नरेश नामदेव को एड्स हो गया है। ब्लड टेस्ट करने से पता चला या यूरिन टेस्ट करने से पता चला? मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़े ही दिनों में ये बुड्ढा सीधा ऊपर जाने वाला अगर है। अगर मारूंगा ना तो मरते दम तक नहीं जाएगा। ए, अगर मैं मर गया ना तो तुम तो विधवा हो जाओगी। जाओ यहां से। तो चल पाता नहीं, जवानी इसका बहुत चलता है। फिर बताऊंगा क्या क्या चलता है। क्या यार नमो, सब तुझे मारने पे तुले हुए हैं। लोगों को क्या फायदा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत होगा। जल्दी से मर जा। क्या भाई, तुझे क्या फायदा होगा? तुझे पता नहीं है, तेरे बेटों को 40 लाख रुपए तक का कर्जा दे चुका हूँ। तू जब तक जिंदा है तब तक उन्हें उनका हिस्सा तो मिलेगा नहीं, कम से कम तेरे मरने के बाद तो मिल जाएगा। ए, मेरे जीता जी, तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा और मरने के बाद तो सवंदी भी नहीं मिलेगी। चल भाग यहाँ से। यार तू पता नहीं कब मरेगा और मेरा पैसा मुझे कब मिलेगा। हमारे गांव में कितनी लड़कियां हैं, किसी ने भी ब्यूटी पार्लर में जाके मेकअप करके शादी की है क्या? बस तू ही करने आ गई। ये तो उनका नसीब है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने उन्हें जाने से मना किया है क्या? क्या तेरी शादी हो जाने के बाद इसी तरह तू यहाँ वहाँ घूमती रहेगी तो लोग क्या कहेंगे, सोचा है? तो फिर मेकअप मैन को घर पे बुलाने के लिए मना क्यों किया? मुझे मेकअप मैन टेकअप मैन पे कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए तो मैं ब्यूटी पार्लर गई। ओहो, मतलब शादी के 2 दिन बाद ही तो अपने पति को भी बेच खाएगी लगता है मुझे। आपने जो मेरे लिए लड़का देखा है ना, वो पहले से फटीचर है, उसे बेचकर मुझे क्या मिलेगा, घंटा? क्या बोली? कुछ नहीं पापा। अच्छा छोड़, मैं थोड़ा नींद मार लेता हूँ, गांव आए तो उठा देना। ठीक है। अरे ऊपर क्या सामान डाला है, बस कितनी ओवरलोड हो गई है? 4 बोरी गेंदे का फूल डाला है। अच्छा तो फिर बस इतनी हिल क्यों रही है? Fire, baby. ए, पहली बार है क्या? हाँ, तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम है। तो कहाँ गई थी? यहाँ थोड़ी गर्मी हो रही थी पापा, इसलिए हवा खाने ऊपर चली गई। अच्छी बात है, पता नहीं कौन सी एसी की हवा खा कर आ रही है। ओए होए, अपना हीरो आ गया। अरे यार पूरी बस तो खाली है, तो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अरे मैं शहर का हूँ यार, ये गांव की बदबूदार हवा जमती नहीं। ए, 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 पता है पता है। अच्छा यार कुमार, शूटिंग खत्म हो गई क्या? कैसे खत्म होगी, 5 फिल्में थी, सिर्फ 3 करके आया हूँ। तो वो फिल्म छोड़कर क्यों आ गया? लो बजट थी यार, हीरो को रूम नहीं दे रहे थे। अच्छा यार, हीरोइन को तो रूम देते होगे ना? हाँ यार, हीरोइन को एक सेपरेट ही रूम देते हैं। अब सोचना, हीरो हीरोइन दोनों को एक ही रूम दे देते तो फिल्म में उनकी केमिस्ट्री अच्छी नजर आती और फिल्म भी हिट हो जाती। ये अरे गरे प्रोड्यूसर्स को ये समझ में नहीं आता, सिर्फ फिल्म में बनाने चले आते हैं। एक बार हमें भी यार शूटिंग पे लेके चल, तू एक्टिंग कैसे करता है हमें भी देखना है। अब तू सीधा मुझे बड़े पर्दे पे देखेगा, सुपर स्टार हूँ मैं, चल आ जा। हाँ चल चल। ए कुमार, तेरी पुरानी आइटम आ गई यार। नहीं जाना यार, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। ये लो, चाय चाय कर रहे थे ना, लो पियो। ये चाय है या काढ़ा है? इसे पीते ही मेरा पूरा मुंह कड़वा हो गया। आहा, वो सुशीला की चाय बहुत अच्छी लगती है क्या? वो ना तेरी तरह चाय नहीं पिलाती, वो पिलाती है दूध। देखो बहुत मारूंगी मैं। और
तुम जो रोज उसके घर जाते हो, चल क्या रहा है दोनों के बीच? हाँ, अरे सावित्री, बेकार में मुझ पर शक मत कर। देख, मैं वैसा नहीं हूँ। अगर तू चाहे तो मुझे मंदिर में लेकर चल, मैं वहाँ कसम खा सकता हूँ, पर अग्नि की कसम नहीं खाऊंगा, क्योंकि हाथ जल जाएंगे ना। अंदर जो लकड़ी जल रही ना, वो लूंगी, मैं डाल दूंगी। देख, ये तू ठीक नहीं कर रही है। अगर तू इसी तरह मुझ पर शक करेगी ना, तो मैं भी तेरे ऊपर शक करूंगा, कह देता हूँ। अरे देवा देवा देवा, अब तुम मुझ पर शक करोगे, वो भी किस बात के लिए? अरे मेरी तरफ देख ना, मैं कितना काला हूँ, और अपने आप को देख, तू तो भैंस से भी ज्यादा काली है। तो हमारी औलाद गोरी कैसे हो गई? हे बादे, कहीं वो अपना पाटिल तो नहीं ना? परमात्मा, ओहो, वो दूध वाला है क्या? मम्मी कुमार, देख ना तेरा बाप मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है। डैड, अब मेरे बाप बनने की उम्र है? कहाँ आप खामखा मेरे बाप को ढूंढने निकले? It's too late. What mummy? I will say right. A B C D E F G H I J K L M N O P P Q R S T U V. अरे वाह वाह वाह, देखा मेरा बेटा कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है। चल बेटा, खाना खा ले। पिज्जा बनाए क्या? वो कहाँ मुझे बनाने आता है? जरूर कोई फॉरेनर ही होगा, अपनी पूरी छाप छोड़ गया है। शीला, क्या हुआ? स्लो मोशन में क्यों भाग रही हो? अरे हमारी गौरी है ना, वो घर से भाग गई है। कौन वो? परसों नई शादी करके जो आई थी, बाजू की आंटी, वो क्या? अरे उनकी छोड़ो, हमारी गाय भाग गई है कह रही हूँ। ओ अच्छा, हाँ तो जाने दो, प्रॉब्लम क्या है? अरे उनके समागम का समय चल रहा है ना, उसके लिए ले जाना है। अरे ऐसे वक्त में लेट करना बेकार है, आ बैठ जा, तेरी गौरी वहीं पर है, अब ये काम मैं करवाऊंगा। अरे मैं सब कर लूंगी, तू जा यहाँ से। अरे कुछ और होता तो मैं चला जाता, लेकिन ऐसे वक्त में छोड़ के जाना सही नहीं है। आजा आजा, बैठ जा। ये ले जाए बिना मानने वाला नहीं है, चल चल। शीला, मुझसे चिपकना मत। मैं अपने गाय गौरी की समागम की बात कर रही थी, अपनी नहीं। ओ ऐसा क्या? सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि तू उतावली हो रही है। अरे वो उतावली तो तेरी गाय भी हो रही थी ना। चला जा, ढूंढते हैं। ए तू, अरे बाबू कब से बैठा हूँ खाने के लिए, खाना मिलेगा या नहीं बताओ। ठीक है इस बुड्ढे से। क्या करें, मेरा नसीब भी खराब है। भुक्कड़ बुड्ढा। घर में आई तब से नौकरा। अगर इस थाली में कोई भी देखे ना तो उसका चेहरा राजकुमार जैसा दिखना चाहिए। ठीक से घर काम में कभी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बुड्ढा ना पता नहीं कब मरेगा, ठीक से घसने के लिए कह रहा है। बाबूजी, कल मैंने लॉयर को अपने घर पे बुलाया है, अपनी जायदाद सबको बराबर बांट दी। लॉयर को किस लिए? जज को भी बुला ले, मैं उसके भी नहीं सुनूंगा। अरे कभी तो मेरी बात मानिए, मेरी किस्मत ही फूटी है। ए, खाने के लिए क्या बनाया है? हाँ, बर्तन में जो भी मिलेगा ना वो चुपचाप खा लीजिए। ए भगवान, बाप बेटे सब एक नंबर के फुक्कड़ है। हाँ। सुनना, इधर इधर देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं, क्या खाऊं? मैंने आपके लिए स्पेशल चीज बनाई थी। एक ही टाइम में पूरा खाना सपाचट कर गया आपका बाप, पूरा सरदर्द है, ये बुड्ढा जल्दी मरने वाला नहीं। तुम देखते रहो, तुम्हारा बाप तुम्हारे भाइयों से पहले नहीं मरने वाला। ला इधर। अरे लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। जाके चूल्हा खा लो। अरे मेरी किस्मत ही फूटी है, पति की इज्जत करनी भी नहीं आती। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ए नमो, साइड प्लीज। ए रुको रुको, क्या हुआ? थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम है। ए, पेट्रोल पंप अपने बाप का ही है, तू चल। ठीक है फिर, आ जा, बैठ जाओ। बैठ गए? चलो ना। हाँ रेडी रेडी। रिपोर्ट में क्या लिखा है देख तो। सर सर। हाँ। रिपोर्ट में क्या लिखा है देखो तो। नो,
रेप और मर्डर दोनों हुआ है। सर, सर हाँ। ये मर्द लोग रेप जैसा घिनौना काम क्यों करते हैं? विमला हाँ? मैं मर्द नहीं हूँ क्या? क्यों सर, डाउट है क्या? तो मैंने अभी तक किसी लड़की का रेप क्यों नहीं किया? जी क्या सर, सर ये मर्द जो है जब रेप करने की ठान लेते हैं तो औरतों को क्या करना चाहिए? विमला जी, कमला जी, चलिए बैठ जाइए। सर सर पहले हमें इस सवाल का जवाब दीजिए तभी हम बैठेंगे। मैडम, कमला मैडम, मेरी भी यही शर्त है। पहले बैठ जाओ फिर बताता हूँ। पहले बताइए। हाँ लगता है तुम लोग नहीं मानोगे। ठीक है बताता हूँ। जब एक मर्द रेप करने की ठान लेता है तो औरत को उसके खिलाफ लड़ना चाहिए या उसे मार देना चाहिए या खुद मर जाना चाहिए। अगर ये सब भी नहीं होता है तो मेरे पास एक और ऑप्शन है। क्या, क्या सर? आंखें बंद करके सो जाना चाहिए। सर आपका दिमाग खराब हो गया क्या? बैठो सर। इसलिए तो कह रहा था, बैठ जाओ। कुछ भी बोलते रहते हैं। राजा अपने हीरो के लिए एक स्पेशल चाय लिया और उसके बाप के लिए डबल स्पेशल चाय। तो पता है ये डबल स्पेशल क्या है? ऐसी महान औलाद पैदा किया है ना उसके लिए। क्या बेटा हाँ। ये तेरे दोस्त तो डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं। मारने दीजिए। ए यार तू तो शहर में जाके हीरो बन गया यार, मेरे लाइफ भी कोई छोटा मोटा रोल होगा तो बताना, मैं भी कर लूंगा। हाँ होगा तो बताऊंगा। ठीक है मैं अर्जेंट में शहर जा रहा हूँ, मैं चलता हूँ। शहर जा रहा है? मुझे अपना ही एक धर्म बनाना है, हम बहुत से लोग मिलकर आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके लिए शहर जाने की क्या जरूरत तो है? फिर तेरे पास आधार कार्ड है ना? हाँ है। गूगल में सेपरेट धर्म की एक वेबसाइट है, उसे ओपन कर, अपने आधार कार्ड को लिंक कर और फिर GST पे कर दे। अच्छा? समझ ले तेरा काम हो गया, ये डिजिटल इंडिया है यार। अच्छा। और हाँ उसी में नीचे तुझे चार ऑप्शन भी मिलेंगे। हाँ। फिर तुझे जो चाहिए उस फोटो पे क्लिक करके तुझे धर्म गुरु भी मिल जाएंगे। क्या यार कुमार तू तो शहर में जाकर कितना जानकार हो गया यार। इन लफंगों को समझा। हाँ। ये लोग गंदी गंदी फिल्में यहाँ बैठकर देख रहे हैं, बेशर्म कहीं पागल हो गए तुम लोग। अरे कुमार से कुछ सीखो, मैं अभी घर जाकर अपना आधार कार्ड लेकर आता हूँ। मुझे तो अपना वो सेपरेट धर्म बनाना ही है, मैं अभी आधार कार्ड लेकर आता हूँ। अच्छा कुमार वो कुछ GST वो आधार कार्ड ऐसे डिजिटल इंडिया ऐसा कुछ सुना सुना लग रहा है, ये सब क्या है समझ नहीं आ रहा है। तेरे घर में रेडियो है ना? हाँ है ना। उसमें प्रेम की बात करके एक प्रोग्राम आता है, उसे सुना कर। वही सुना होगा, कोई बात नहीं मैं अभी जाके आता हूँ। अरे कुमार तो शहर में जाकर पार्ट बन रहा है। ये कौन सी नई अप्सरा है, मस्त लग रही है यार। हेलो, मस्त नहीं टकाटक लग रही है। आने दे कबूतरी कौन है पता चल जाएगा। लगता है मैंने इस चिड़िया को कहीं देखा है। अरे ये तो कबूतरी नहीं मोरनी है। अबे ना वो कबूतरी है ना वो मोरनी है, वो मेरे चाचा की लड़की है, अभी उसे आए हुए 2 दिन हुए हैं, रिश्ते में वो मेरी बहन लगती है यार। थैंक गॉड ये मेरी बहन नहीं है, मैं तो सेफ हूँ। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे पल छिन। आप टीवी पर जो चॉकलेट का ऐड आता है वही लड़की है ना? नहीं अंकल, मुझे पर्क चॉकलेट तो बहुत पसंद है पर मैं टीवी पर नहीं आती। वो लड़की बिल्कुल आपकी तरह है। शायद इसीलिए आपको चॉकलेट बहुत पसंद है। ये लीजिए। थैंक यू सो स्वीट। वैसे आपको जाना कहाँ है? यही कोरेगांव। ओह मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आइए बैठिए। नहीं नहीं बस आ जाएगी, मैं उसी से चली जाऊंगी। यहाँ बस के आने का कोई टाइमिंग नहीं है और यहाँ के लोग भी सही नहीं है, गांव के लोग बहुत ही खतरनाक है। आइए, धूप भी बहुत है, अकेली लड़की को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। कस के पकड़ कर बैठिए, रोड भी सही नहीं है ना। अरे रे तेरे की गाड़ी बंद पड़ गई। क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालना पड़ेगा। चलो वहाँ तालाब से चलकर पानी ले आते हैं। नहीं नहीं आप लेकर आइए, मैं यहीं रुकती हूँ। आपको बताया था ना ये जगह सही नहीं है, हमारे गांव के लोग भी सही नहीं है, यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। चलो चलो चलो। छोड़िए अंकल मैं नहीं आऊंगी। कौन है ये? ये अपने ही गांव जा रही है, मैंने कहा कि चलो मैं छोड़ देता हूँ लेकिन बाइक गर्म हो गई तो हमने सोचा कि वहाँ से पानी लेकर आए। अच्छा ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, गांव पहुँचने से ही मतलब है ना? नहीं नहीं तू तो जरूरी काम से जा रहा होगा ना, तू जा बेटा गाड़ी गर्म हो गई है, पानी डालकर ठंडा करके छोड़ दूंगा। मुझे कोई जरूरी काम नहीं है, आइए मैडम मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। क्या किस्मत है मेरी, मेरे मुँह का निवाला छीन ले गया।
हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाता है। कैट, बाप बेटे दोनों ही चॉकलेट की दुकान में है क्या? हे भगवान, हाँ कहाँ गए थे तुम लोग? कुछ नहीं डैड, वो मेरी स्कूटी गर्म होके बंद पड़ गई थी, इसीलिए डैड हम लोग तालाब गए थे पानी लाने के लिए। तो पानी कहाँ है? नहीं नहीं, अब जरूरत नहीं है। देखिए मेरी स्कूटी कैसे स्टार्ट होती है, देखते रहिएगा। देखा डैड? हे, कोई मेरी गाड़ी की चाबी निकाल कर ले गया, मैं वहाँ से धकेलते हुए आ रहा हूँ। देखिए आप इतनी दूर तो आ गए, गांव पास में ही है, थोड़ी दूर है सही, और आ जाइए। खैर अब मैं इन मैडम को छोड़ देता हूँ, आइए मैडम। कैसी औलाद है ये, मेरे नाम की दावत जो है ये कमीना खा गया। ए, तेरे दोस्त की बहन है तो तेरी भी तो बहन ही हुई ना। अगर वो मेरी बहन हुई तो आपकी बेटी हुई, ओके ना? मैंने अपनी बात वापस ली। मेरे पति ने पहले ही कहा था कि हाई स्कूल में मत पढ़ाओ, हम उसे नहीं पढ़ा पाएंगे, जितनी पढ़ी थी उतना ही काफी था, लेकिन हमने सोचा कि वो हमारी तरह ना बने, बस इसी वजह से हमने उसका दाखला वहाँ करवाया ताकि जिंदगी में वो आगे बढ़े, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। मैं उसे कभी नहीं भेजती साहब, कभी नहीं भेजती। आपको किसी पर शक है क्या? ऐसा कोई भी नहीं साहब जिस पर शक करे, सारे बच्चे हमारे आनंद मास्टर जी के हाथों पढ़ लिख कर बड़े हुए, जब भी पैसों की तंगी होती तो वही फीस देते थे, किताबें भी वही देते थे। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो दिव्या। क्या सर, चाय पीने के लिए आना जरूरी था क्या? सर इस केस को सॉल्व करने के बाद आपको प्रमोशन पक्का मिलेगा ना सर? कमला मैडम तुम्हें क्या लगता है? सर अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो आप क्या करोगे सर? एकदम सही कहा कमला मैडम। सर आपकी पत्नी ने आपको ट्रांसफर लेकर शहर आने के लिए कहा है, आप कब जाने वाले हो? तुम दोनों का ट्रांसफर अप्लाई किया है, उसके मिलते ही हम लोग निकल जाएंगे। हमें भी आना होगा सर। हाँ आना तो पड़ेगा ही। क्यों सर? मेरी गाड़ी ना तीन लोगों के बैठने से ही आगे बढ़ती है, इसलिए तुम लोगों को आना ही पड़ेगा। मुंबई में ट्रिपल सीट जाने पर फाइन मारते हैं सर। कमला नो प्रॉब्लम, मंथली फाइन पास हम निकलवा लेंगे। जी सर। थू सर, चलिए सर। दीदी गांव में टॉनिक बाबा आया है, हुशियार रहना। क्या टॉनिक बाबा आ गया? अभी जाकर अपने पति को बांध देती हूँ। गांव में टॉनिक बाबा आया है, सब लोग हुशियार रहना, हुशियार रहना। दीदी टॉनिक बाबा आए हैं, ससुर को बाहर मत भेजना। बाबूजी टॉनिक बाबा आ गए हैं और काढ़े की दुकान खुल गई। अच्छा मैं भी जाके आता हूँ। हमारे टॉनिक बाबा हिमालय से वापस आ गए हैं, उनके हाथों का मैं काढ़ा पीऊंगा और अगले साल मैं एक लड़का पैदा करके ही रहूंगा, ये एक मर्द की प्रतिज्ञा है। हाँ, लड़का पैदा करेगा बोलकर 18 लड़कियाँ पैदा कर दी, इतने सालों में जो नहीं हुआ इस उम्र में क्या होगा। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। टॉनिक बाबा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, ये तो बहुत दिनों बाद आ रहे हो। अरे भैया टॉनिक बाबा जल्दी बनाओ ना, जल्दी बनाओ बाबा, जल्दी बनाओ ना, मैं भी लाइन में हूं, जल्दी। मुझे भी टॉनिक चाहिए बाबा, जल्दी करो, मुझे भी अपना काढ़ा दीजिए। हाँ टॉनिक बाबा ये बताओ हिमालय गए थे कि नेपाल गए थे? अरे दोनों ही नहीं, मैं अंटार्कटिका गया था, वहाँ से लेकर आया हूँ ये जड़ी बूटी। अपने टॉनिक बाबा हर बीमारी को दो मिनट में ठीक कर देते हैं। हाँ सही है, सही है। बहुत कोशिश की पर काम हुआ नहीं। हो जाएगा यार, टेंशन मत ले। मेरा तो यकीन टूट चुका है। ऐसा मत बोले यार। अरे ए बुढ़े क्या सांड की तरह धक्का मार के जा रहा है बीच से? टॉनिक बाबा का काढ़ा पीकर सब सांड ही बन जाते हैं, जाओ तुम लोग भी पी लो। लगता है काढ़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ आजा हम भी पीकर देखते। हाँ चलो पीते हैं। टॉनिक बाबा, टॉनिक बाबा यहाँ देखो मैं कितना तंदुरुस्त लग रहा हूँ, कितना टनाटन खड़ा हूँ देखो। अरे ले ये पहले ले काढ़ा पी ले, फिर जिसको खड़ा होना होगा वो खड़ा हो जाएगा। ठीक है टॉनिक बाबा। ये काढ़ा ले, पहले इसे पी ले। ये काढ़ा पीकर मुझे सच में लड़का पैदा होगा ना टॉनिक बाबा? अरे यही बात अगर किसी MBBS डॉक्टर से पूछते ना तब पता चलता कि वो तुम्हारे कान के नीचे ऐसा बजाता
कि इस उम्र में कैसे बच्चा पैदा होता है वो सब पता चल जाता। इसीलिए कहता हूँ कि मेरा बनाया हुआ काढ़ा तो पहले पी ले, मेरे काढ़ा के सामने सब डॉक्टर फेल है। क्या बात है टॉनिक बाबा, क्या बात है, इसे कहते हैं मर्द की जबान। नहीं नहीं राव साहब, अभी नहीं लूंगा, जब मेरे काढ़ा से लड़का पैदा होगा तब मैं पैसा लूंगा। हाँ, तब तक आपके पैसे को छूंगा भी नहीं। ठीक है टॉनिक बाबा, चलता हूँ। ठीक है ठीक है, देता हूँ देता हूँ, पाइल्स का भी इलाज है। सॉरी सर, आने में थोड़ी देर हो गई। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अगर कोई और होता तो क्लास को आधे में ही छोड़कर आता, पर आप अपना काम पूरा निपटा कर आए हैं। काम के प्रति आपकी ये श्रद्धा देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। सो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? इन्वेस्टिगेशन इज ऑन द वे, खूनी इज ऑल्सो ऑन द रोड। देखिए, वो अपनी गाड़ी से 100 की स्पीड से जा रहा है और हम अपनी बाइक से 300 की स्पीड से जा रहे हैं। हमारे लिए स्पीड लिमिट है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। वो जैसे चाहेगा वैसे जाएगा, कोई बात नहीं, फिर भी हम उसे सही वक्त पर पकड़ लेंगे। ओके, डू योर वर्क सर। इस केस से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी मैं हेल्प करूंगा। मुझे जो पता होगा मैं आपसे शेयर करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू मिस्टर आनंद। थैंक यू सर, बाय। एक्सक्यूज मी आनंद। हाँ, अभी टाइम क्या हुआ है? सॉरी सर, मैं वॉच यूज नहीं करता, मैं टाइम मोबाइल पर देखता हूँ। और मैं अपना मोबाइल स्टाफ रूम में छोड़ कर आया। ओह करेक्ट, मोबाइल का टाइम भी करेक्ट होता है ना। सॉरी, बाय। सर, आप इंक्वायरी करने आए हो या बाइक की स्पीड लिमिट कितनी हुई ये बताने? इंक्वायरी की ना कमला मैडम। कब की सर? आपने बोला हमारी बाइक 300 की स्पीड से जा रही है और उसकी बाइक 100 की स्पीड से। ऐसा नहीं होता है सर, और उसके ऊपर से हम लोग ट्रिपल सीट चल रहे हैं, ये गलत है सर। आप हम दोनों को यहीं पर छोड़ दीजिए और उसको पकड़ कर लाइए, हम यहीं पर रुक जाते हैं। एक बार खूनी को छोड़ दूंगा पर तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा। जी सर। चलो गाड़ी में बैठो। जी सर। लो आ गया अपना दोस्त, सुबह से वेट कर रहा हूँ यार। तुम्हारा दोस्त हीरो है क्या? हैप्पी बर्थडे। हाँ। हाय दोस्त। हे कुमार, ये मेरा खास दोस्त है। हाय। ये क्या गोपी? सर हैप्पी बर्थडे सर। अरे यार, ये तो इतना घमंड कर रहा है, भाव भी खा रहा है यार। चीयर्स। सर आप फिल्मों में हीरो है ना सर, आप हीरो कैसे बने सर? मैं हीरो कैसे बना ये छोड़ो, हीरो बनने के बाद कैसा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, सही है ना मेरा स्टाइल? आपने पार्टी दी है ना सर, इससे पता चल गया कि आप कितना जेंटलमैन आदमी है, एकदम सुपर है सर। सर मेरा एक भाई है, उसका नाम संतोष है, वो डायरेक्टर बनने के लिए बाहर गया सर, लेकिन 12 साल हो गए अभी तक डायरेक्टर नहीं बना सर। आपने उसे देखा है क्या? वो डायरेक्टर नहीं बना, वो एसोसिएट या असिस्टेंट का काम कर रहा है सर। पता नहीं हूँ, कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। तेरा भाई शहर जाते वक्त क्या ले गया था? सर वही बुक्स पेन बैग में भर के निकला था सर। बैग लेकर गया था? तब तो 12 साल क्या 22 साल में भी डायरेक्टर नहीं बनेगा। ये आप क्या कह रहे हो सर, अगर बैग नहीं ले जाएगा तो क्या लेकर जाएगा सर? बकेट, बाल्टी। हाँ, अगर वो बैग के बदले बकेट ले जाता तो डायरेक्टर बन जाता। हाँ, बकेट का इतना पावर है सर। सुन, किसी गांव के पंचायत के सीट से लेकर इस देश के प्रेसिडेंट तक सबको बकेट पकड़ना पड़ता है। बकेट अगर नहीं पकड़ सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट है। देखो, टारगेट के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बकेट पकड़ो, टारगेट खुद चल के सामने आएगा। सर मैंने आपके जैसा पुरुष देखा ही नहीं। आप पुरुष नहीं, माँ पुरुष है, आप महान है, आप अल्टीमेट है, आप आशीर्वाद दीजिए सर। हेलो भाई, आपके एड्रेस पर एक कुरियर कर रहा हूँ, कल रिसीव कर ले। क्या भेज रहा है? बकेट। चलता हूँ भाइयों, चलता हूँ दोस्त। ओके बाय बाय। चल स्टेशन तक छोड़ गया, आज इतने बड़े ज्ञानी से ज्ञान पाकर मैं धन्य हो गया। के पास मिलूंगा, सब लोग आ जाना। दो बियर, एक चिकन बिरयानी, एक कबाब, सिगरेट पैकेट, सबका बिल मिलाकर 500। मैं दूं क्या? क्यों? उसने जो खाया है वो बिल तो देना पड़ेगा ना यार, हमारे साथ मजे भी और पार्टी भी, ऐसा समझ ले। अबे पार्टी तुझे दी थी, तेरे दोस्तों को नहीं, समझ में आया क्या? आज तेरा बर्थडे है ना, उसे भी खुश होने देना। पार्टी के लिए पैसे चिरेगा तो भगवान भी तेरा अच्छा नहीं करेगा। अब उसे खुश करने के लिए मैं 500 रुपए दूं? पागल नहीं हूँ मैं। ए बैठना। ए गोपी, ऐसा पार्टी मैंने आज तक नहीं देखा। ए तू चुपचाप बैठा रह, तू ऐसी घटिया पार्टी मैंने आज तक नहीं देखी। ये थू, पता नहीं इसको भी क्या हो गया है। थू, ये गाड़ी, ये बॉडी, पता नहीं कमला विमला कहाँ है।
और ये भी साला कहाँ होगा पता नहीं। आ, 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 तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो। क्या शाम राव जी, आज बहुत रोमांटिक लग रहे हो। आप कब आए? कॉफी लेंगे या टी? टी है। सुन, एक लोटा ठंडा पानी लेकर आ। चाय मांगा है, पानी नहीं है ना, पेट में थोड़ी ठंडक आनी चाहिए। श्याम राव जी, आप ठंडा करने की बात करते हैं और आपका बेटा गर्मी निकालता रहता है, उसे ये गुण आपसे ही मिला होगा। वो क्या है ना कि खून का असर तो होना ही चाहिए, पर एक ना एक दिन वो मेरा नाम रोशन करेगा। दोनों एक जैसे है साहब। आपके बेटे का कोई फोटो लाइए। जी लाती हूँ। ये क्या बात हुई साहब, वो एक वर्ल्ड फेमस हीरो है, आप उसकी फोटो मांग रहे हैं? इस तरह तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अच्छा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की आप बेइज्जती कर रहे हैं, जान लीजिए। देखिए, ओवर एक्टिंग मत कीजिए, मुझे तो आप पर ही शक हो रहा है, कहीं उस रेप एंड मर्डर केस में आपका ही तो हाथ नहीं? हाँ साहेब, पुलिस की जो मार है ना, इन्हें चखाइए, तभी बाप बेटे की अकल ठिकाने पे आएगी। ये सच में आप ही का लड़का है क्या? आप दोनों इतने काले हैं और ये इतना गोरा कैसे है? यही बात मैं सालों से पूछ रहा हूँ, क्लाइमेक्स आ गया लेकिन ये बताती ही नहीं। आपका ये मुंह है या गटर, आप खुद को समझते क्या हो? क्या नाटक लगा के रखा है? जब देखो तब यही बात के साथ तूने मुकाबला किया है? तुम्हारे समझ नहीं आता? बता ये किसका बेटा है? मुझे अरे बताती है कि नहीं? अबे तक कोई ग्राहक नहीं आया। हे नमो, कितने का है? 150 का है। मैं 100 रुपए दूंगा, दोगे या नहीं? ये ऑस्कर अवार्ड की दुकान खोलने के लिए कितनी तकलीफ उठाई है पता है? तो मैं क्या करूं? वो तुम सोचो। ये लो। टॉनिक बाबा, लोकल चैनल वालों को जाने के लिए कहो, ओनली इंटरनेशनल। ये इंटरनेशनल वाले हैं ना, जो सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट का प्रोग्राम दिखाते हैं, लेकिन ये लोकल वाले जो है ना, वो तो ऑस्कर अवार्ड का पूरा पूरा कार्यक्रम दिखाते हैं। जब तक अगला ऑस्कर अवार्ड नहीं आए तब तक वो दिखाते रहते हैं। हाँ। एक बात बताइए नमो जी, हर कलाकार ऑस्कर अवार्ड पाने के लिए बेचैन रहता है, ऐसे में आपको इतने सारे ऑस्कर अवार्ड इतनी आसानी से कैसे मिले? इसको देखो भाई, रिमेक फिल्म बनाता है और एक्टिंग कॉपी करता है, कौन ऑस्कर अवार्ड देगा बताइए? नहीं नहीं, कहानी खोजनी चाहिए, मेरी तरह नए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। आखिर किसी ने तो तेलुगु तमिल मलयालम फिल्में बनाई है, उसे देखकर दोबारा से उसी फिल्म की कॉपी बनाते हैं। मुझे खांसी आ रही है, जरा तू ही बात कर। हमारे बॉलीवुड के बहुत से कलाकार, निर्माता, निर्देशक जो हैं, वो रिमेक फिल्मों के ऊपर निर्भर होने के कारण उनके कुल देवी देवता कौन है ये भी हमें पता चला देते हैं। उनके भगवान का फोटो भी हमारे पास है, बोलो तो हम दिखा देते हैं। वो भगवान कौन है, जरा फोटो दिखाइए तो। नमो जी, फोटो दिखाइए। दिखा दो टॉनिक बाबा। जूम जूम। जूम कर। सर, आप स्टार बनकर उभरे तो रीमेक फिल्मों की वजह से, इससे पहले आपने जो भी फिल्में की वो सारी फ्लॉप गई, तो आप रीमेक माता को अपना भगवान क्यों नहीं मानते? ओए, ये तू क्या कह रही है लड़की, मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, मैं चाहे रोमांटिक फिल्मों में काम करूँ या फ्लॉप फिल्मों में, मुझसे पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ये पकड़ और चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से। हम डायरेक्टर की कहानी सुनकर फिल्म नहीं करते, प्रोड्यूसर की औकात देखकर फिल्म करते हैं। कहानी कोई भी हो, कैसी हो, खाली पैसा मिलना चाहिए। जब तक माल मिलता रहेगा हम फिल्में करते रहेंगे। अब मैं चलता हूँ, मेरे लिए पैसे ही भगवान है बॉस। देखिए, सच्ची कहानियाँ हमें बहुत कम मिलती, इसलिए हम रीमेक बनाते। क्या सर, आप भी औरों से भी ज्यादा केंद्रीय साहित्य अकेडमी प्रशस्तियाँ, 50 से ज्यादा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हमारे देश को, कहानी नहीं है बोलकर हमारे सैकड़ों साहित्यकार और कवियों का आप अपमान कर रहे हैं? क्या बहुत सेंटी हो रही है, मेरे सूट का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। अरे हम रीमेक बनाए या विमेक बनाए, आपको इससे क्या, आप मनोरंजन करो ना यार। तुम पूछने वाली कौन होती हो, मैं रीमेक बनाऊँ या ओरिजिनल फिल्म बनाऊँ? वो मेरे ऊपर ऐसे आरोप कैसे लगा सकता है, हमारे घर में भगवान नहीं है क्या? ये पकड़िए, आ जाते हैं इंटरव्यू लेने। हम चाहे रीमेक करें या विमेक करें, आपको इससे क्या? ए, चल रहे। हम
हम चाहे रीमेक करें या विमेक करें, आपको इससे क्या मतलब? आप जाइए यहाँ से। चाहे हम रीमेक फिल्में बनाएं या नई कहानियों की फिल्में बनाएं, आप पूछने वाले होते कौन है? हमारी बनाई हुई फिल्में लोग देखे या ना देखे, चाहे वो हिट हो या फ्लॉप हो, हमें पूछने वाले आप होते कौन हो? दुकान में ऑस्कर अवार्ड गोरिल्ला के दाम में बिकता है और मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन होता हूँ? तुम्हारा पूछने का मतलब क्या है? थिएटर वाले आपके बनाई पिक्चर लगाएंगे? नो रिएक्शन। कोई भी एक्टर आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा, क्या कहते हो? नो रिएक्शन। कोई प्रोड्यूसर आपको कास्ट नहीं करेंगे, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। नो रिएक्शन। प्रोड्यूसर लोग आपको लेकर फिल्म नहीं बनाएंगे। नो रिएक्शन। जी नगर में अब आपके लिए नो एंट्री है। नो? ए, क्या बक रहे हो? गांधी नगर मेरा है, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। इस जंग में वो जीतते है या मैं जीतता हूँ, मैं देख लूंगा। खड़ा करो पोस्टर, पकड़ो ना, पकड़ो रस्सी को, पकड़ो रे। कौन सी रस्सी दादाजी? पकड़ो रस्सी को, पकड़ो। कौन सी रस्सी? रस्सी पकड़ो, रस्सी। कौन सी रस्सी दादाजी? कटआउट की रस्सी। कटआउट का मतलब? ऑस्कर। ऑस्कर नहीं दादाजी, मेरा नाम भास्कर है। रिमेक माता। रिमेक माता? हे भगवान, दादाजी पागल हो गए हैं। दादा पागल हो गए, दादा पागल हो गए। ओ सपना ये अच्छा था इस बेकार जिंदगी के बजाय। अरे सुनो, मुझे भूख लगी है, अपनी पत्नी को बोल बोल जरा जल्दी से खाना देने के लिए, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर वो बैल काम नहीं करता है तो तुम लोग उसे खाना क्यों खिलाते हो? चलो मैं आकर देखता हूँ, अभी फोन रखो। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम जैसे नालायक बच्चे मेरी जिंदगी में आए। जा यहाँ से नालायक, बाहर में जा। ए लक्ष्मी, आज तूने दाल बहुत अच्छी बनाई थी, कल भी तू ही बनाना। हा? हाँ ठीक है। भाजी में कचरा ज्यादा है, जरा देखकर चुनना, तुम भी देखना। हा? हाँ अच्छे से देखकर चुन रही हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, एक बूढ़े आदमी के लिए जरा भी खाना नहीं रखा। पता नहीं मैंने क्या पाप किया था, इनके साथ रहने से अच्छा है मर जाना। मोबाइल में बैटरी नहीं है फिर भी आपको कॉल आता है। हाँ ये लीजिए। देख लिए बर्तन? बुड्ढा खाली पतीले देख के गया। जाने देना। अरे वाह, पहले से ही रेडी था। हाँ ये लो पियो। अरे बेटा, सुना है कि तू यहाँ से ज्यादा शहर में रहता है। मैं हीरो हूँ, यहाँ क्या करूँगा। हीरो है? हाँ। इस फिल्म का मैंने तो नहीं देखा। चॉकलेट पीस। चॉकलेट केस? वो अभी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, फ्लॉप हो गई, वही फिल्म ना? फ्लॉप मत कहिए, हीरो का इमेज डैमेज हो जाएगा, जस्ट बिजनेस नहीं हुआ। लड़कियों के लिए जैसे यूज करते ना सॉफ्ट कॉर्नर, वैसे ही। तुम लोगों की फिल्में फ्लॉप होती है। नहीं नहीं, जब फिल्म बिजनेस नहीं करती है तब हीरो लोग प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे वापस कर देते हैं, ये सच है क्या? कैसी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। अरे ये सब तो प्रोड्यूसर का नसीब है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं। तो फिर तमिलनाडु में मणिरत्नम, रजनीकांत, उनकी फिल्में जब फ्लॉप होती है तो प्रोड्यूसर के डिस्ट्रीब्यूटर के पैसे वापस देते हैं, ऐसा सुना है। अरे ये सब जमाना खत्म हो गया, अब ऐसा कोई भी नहीं करता। और एक तो आप हैं जो जूस की दुकान खोले बैठे हैं, अगर सोना चांदी बेचते तो उसे बेचकर फिल्म बना सकते थे। ओ बाबूजी, कहाँ जा रहे हो? है, थोड़ा सा काम है कहीं। बाबूजी, मैंने एक नया काढ़ा बनाया है, आके पी लो। नहीं बेटा, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है। अरे दो मिनट तो लगेगा बाबूजी। ठीक है ला। ए दादा, यहाँ क्या कर रहा है? ए ये ना, किसी फिल्म का हीरो बना है बाबूजी। फिल्म का हीरो बना है? हाँ। शक्ल से तो एक नंबर का लोफर लग रहा है। लो बाबूजी, काढ़ा पी लो। कैसा लगा काढ़ा बाबूजी? बहुत बढ़िया बना है बेटा। ठीक है बाबूजी। बहुत मजा आया। बाबूजी, ये क्या हो गया मेरे बाबूजी को? ये इधर है।
इधर ये ले पैसा ले खुशी मना आज अपना अच्छा दिन आ गया बेटो खुशी मना अरे आज अपने लिए बहुत बड़ा दिन है चल सब लोग खुशी मना पार्टी करेंगे थैंक्स गॉड टॉनिक बाबा अपने बाप को ऊपर भेजकर बहुत अच्छा किया अब मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा मेरे हिसाब से ये हार तो आप ही को चढ़ाना चाहिए लेकिन हम अपने परंपरा को तो नहीं छोड़ सकते ना तो ये हार तुम्हारे बाप को चढ़ा देता हूँ सुनो ना थोड़ा टॉनिक ना निकाल के रख बाद में मेरे काम आएगा मैं हार चढ़ा के आता हूँ तुम लोगों ने पेट भर के खाया ना भूखे पेट नहीं रहना अरे माता मनाना इसको कहते हैं बहुत बढ़िया क्या बात है देखो बहना हमारा चहेता नरेश नमो मर चुका है फिर भी किसी की आंखों में आंसू नहीं है लेकिन हमें अपना रिवाज नहीं भूलना चाहिए अगर कोई नया आदमी घर पे आए तो झूठ मूठ में ही सही जोर जोर से रोना शुरू कर दो ये हमारे गांव की इज्जत का सवाल है एकदम फूट फूट के रोना ठीक है ना नमो मैंने बहुत सारे क्रियाकर्म देखे पर इस तरह का सेलिब्रेशन पार्टी नहीं देखा तू बहुत नसीब वाला है तू इस दुनिया का नौवा अजूबा है बाय हाँ मेरे भाई उस नरेश नामदेव के अंतिम संस्कार के लिए हम मुंबई से इतनी दूर आ गए और रास्ते में हमारी गाड़ी भी खराब हो गई अब रिश्ता तो निभाना है ना मेरे बेटे की शादी उनकी बेटी से हुई है पर समस्या वो नहीं है आ? मेरे बेटे और उनकी बेटी को अमेरिका से यहाँ लाने के लिए 3 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे हाँ ये समस्या है हमारा लॉस हुआ ना वो हमें कौन देगा कार रिपेयर करवा रहे हो खराब हो गई है क्या दिखाई नहीं देता क्या खराब है इसीलिए तो रिपेयर करवा रहे हैं मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ खड़े होने का अरे जल्दी जल्दी रिपेयर करके निकल जाओ यहाँ से ये जगह ठीक नहीं है यहाँ एक लड़की का रेप और मर्डर हुआ था जल्दी जल्दी कर जल्दी कर इस गाड़ी को भी इसी से आकर बिगड़ना था क्या ये तुम क्या कह रहे हो मीनाक्षी यहाँ रेप हुआ मर्डर हुआ वो क्या हमारी कार को पता था क्या अब गाड़ी का क्या है वो तो कहीं भी बिगड़ सकती है मुझे बस इसकी चिंता है अभी बेटा तू थोड़ा यहाँ पर संभल के रहना हाँ पापा के फोन में नेटवर्क है लेकिन मेरे फोन में जरा भी नहीं है हट इडियट आपको हमारे नरेश नामदेव जी के घर जाना है क्या हाँ पर आप कौन है अरे मेरे दादा हैं मेरी गोद में लुढ़के थे तुम मेरी तरफ देख करके बात करो ना देखिए ये जगह सही नहीं है जल्दी घर जाइए हाँ सुनो हमारी स्नेहा को इसके साथ भेज देते हैं हमें इस जगह पर रुकने में डर लग रहा है अरे मुझे इस जगह से ज्यादा उससे डर लग रहा है मैं उस पर जरा भी भरोसा नहीं कर सकता आप क्या शक्कर है और वो लड़का नरेश नामदेव जी का पोता भी है और तो और नरेश जी उसकी गोद में चल बसे आप इतना डर क्यों रहे हैं ए बेटा जरा मेरी बेटी को घर ले जाओगे क्या भेज दीजिए अरे चलिए ना चलिए हमेशा शक करते रहते हैं शक की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता बैठ जा बेटा बैठ जा अरे 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 ऐसे नहीं उतर 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 अरे ऐसे ठीक से बैठ कीजिए ना ऐसे नहीं थोड़ा पीछे होके बैठ तुम्हारा नाम क्या है बेटा कुमार प्यार से मुझे कुमी कुमी बुलाते हैं पर हम तुम्हें प्यार से क्यों बुलाएं हम तुम्हें कुमार कह के ही बुलाएंगे चलेगा ना रुको 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 अपनी बहन को जरा संभाल कर ले जाना बेटा हाँ नीचे उतरो देखिए मैं इकलौता हूँ मेरी कोई बहन नहीं है बाय अरे आप ही ना कुमार हाँ अपने दोस्त को संभाल के लेके जाना बेटा ओके संभाल के जाना बेटा तुम करते क्या हो मैं हीरो हूँ हीरो हाँ काहे का हीरो आप ही ना तुम लोग जाओ संभाल के जाना ओके ए शारदा जरा शांति रख ऑन द वे हूँ पहुँचते ही तेरे बाप के हाथ में फोन थमा दूंगा फिर दोनों बाप बेटी जी भर के बात करते रहना अरे सॉरी तेरा मरा हुआ बाप बात कैसे करेगा उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप पर भेज दूंगा बैठ कर देखती रहना अरे सुन एक अर्जेंट बिजनेस कॉल आ रहा है तो फोन कट कर अरे सुनी जी ए तुलसी अपना रेगुलर कॉटेज है ना हाईवे के पास जल्दी से आजा लेट मत करना लेट करेगी तो मूड खराब हो जाएगा वेलकम सर हाउ मे आई असिस्ट यू सब कुशल मंगल है आर यू स्कोल्डिंग इंसल्टिंग मी
तू भारतीय ही है ना? Yes, I am Indian from Bangalore. तुम शहरी लोग ना हिंदी छोड़कर सारी भाषाएं बोलते हो. जो तमिलनाडु से आता है उससे तमिल में बात करते हो, केरला से आता है उससे मलयालम में बात करते हो, आंध्रा से जो आता है उससे तेलुगु में बात करते हो. इतना ही नहीं, बिहार गुजरात महाराष्ट्र से जो आते हैं उनसे हिंदी में बात करते हो. अच्छा ये सब जाने दो, अगर कोई पाकिस्तान से आता है हाथ में बॉम्ब लेकर और पूछता है कहाँ रखूं, तो उससे उर्दू में बात करते हो और उससे कहते हो ये जगह सही है इसे यहीं रख दो और ऊपर तुम भी जाते हो और हमें भी साथ में लेकर जाते हो, है कि नहीं? और कोई गांव वाला आता है कोल्हापुर सोलापुर बीजापुर कहीं से भी और तुमसे बात करता है तो कहते हो ये कौन गंवार है, कैसी बात कर रहा है, ऐसा कैसे चलेगा यार? सर मुझे माफ कीजिए, आप अंदर आइए. हाँ चलो चलो, मेरी बात का बुरा नहीं मानना. हेलो, हाँ क्या सुनाई दे रहा है क्या? अरे मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है. अरे वो मैयत के वक्त जो बाजा बजाते हैं ना, वो उसे ये बाजा नहीं बजाने के लिए पैसे भी नहीं दिए हैं, उसने सुना कि नहीं पता भी नहीं. अब आप देखो ये लोग और जोर से बजा रहे हैं, अभी पूरा दिमाग खराब करके रखा हुआ इन्होंने. अरे वो जो वो नरेश नामदेव मर गया है ना, उसके लिए मेरे बेटे और बहू को अमेरिका से बुलाना पड़ रहा है. मुझे 3 लाख खर्च हो गए हैं, मेरे लॉस हो गया ना मेरा. अब ये पैसा कहाँ से आएगा बताओ? हाँ एक काम करो, फोन कट करो अभी, मैं बाद में बात करता हूँ. ठीक है, बाद में करता हूँ. बंद करना. पेपर सब रेडी है ना? हाँ रेडी है, अब अपना हिस्सा हमें मिल जाएगा. सब टेंशन खत्म, अब बस क्रियाकर्म. बाप के मरने पर उनके बच्चों के चेहरे पे देखो एकदम खुशी और हंसी नजर आ रही है, और यहाँ मुझे टेंशन हो रही है. अब देख क्या रहे हो, मेरे बेटे ने तुम सबकी बहन को अमेरिका से यहाँ लाने के लिए 3 लाख रुपया खर्चा कर दिए, वो कौन देगा मुझे? लगता है गुस्से में. ओ टॉनिक बाबा, तेरी वजह से तेरा बाप मरा इससे मुझे कोई समस्या नहीं, तेरा बाप था तू जाने, लेकिन क्या ये मरने का टाइम था? अब तुझे बोलकर भी क्या फायदा है? कर रखे थे है ना लड़की, अब उसको कौन खाएगा? अब ऐसा क्या हो गया? हाँ क्यों रो रहे हो तुम लोग? लड्डू बनाकर रखे थे नहीं खाया इसीलिए क्या? ये लड्डू खाकर तो नहीं बनाना. हाँ अगर लड्डू खाकर मरता तो तुम लोगों को लॉस होता, तब तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर रोते तो चल जाता है ना. लॉस हुआ उसका क्या? आप लोग एक काम कीजिए, अंदर जाके आप लोग सब लड्डू खा लीजिए, लॉस तो मेरा हुआ ना, रोना तो मुझे चाहिए. कुर्सी दो भाई. अरे तुझे मरना है तो तुम मुझे कहना चाहिए था ना, मैं मना थोड़ी करता तुझे मरने के लिए. अरे मरना ही था तो टाइम देखकर मरना चाहिए था ना. अगर ठीक 10 दिन पहले मरते तो मेरा बेटा इसकी बेटी इसी गांव में होते, इसी घर में रहते, तब जाके आराम से मरना था, फिर मेरा कोई नुकसान भी नहीं होता. हे? अगर तब मरता तब मेरे बेटे और बहू को अमेरिका से वापस नहीं बुलाना पड़ता और 3 लाख रुपए भी मेरे बच गए होते. अरे 10 दिन बाद मर के तुझे क्या फायदा मिला? हा? आखिर मरना ही पड़ा ना. लो. दीदी ये तो बहुत भड़के हुए हैं. हाँ मुझे यहाँ शाम हो जाएगी तो कल मिलते हैं. स्नेहा किधर है? अभी तो आई नहीं, पता नहीं इतनी देर कहाँ हो गई. सब तेरी वजह से हुआ है. क्या हुआ? रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए हमारी बेटी को हमने कुमार नाम के लड़के के साथ भेजा. क्या करता है वो? वो हीरो. हाँ हीरो है कोई, उसके साथ भेजा था और वो अभी तक नहीं आया. कौन? मेरे भाई का बेटा कुमार के साथ? वो हाँ? लड़का ठीक नहीं है. हाँ? उस लड़के की कोई गारंटी नहीं है. हे भगवान. कुल मिलाकर 38 एकड़ जमीन, 3 घर है, बैंक में 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट है. हमारे बाप का नाम हटाकर 4 हिस्सा लगा दीजिए. हमारा एक भाई भी है. अरे अभी तुम्हारे पापा मरे तुम यहाँ आ गए? ए हमारा पूरा खानदानी है सर, चल अंदर. वो कुछ काम से गया है. देखो इस घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, हमारा बाप मर चुका है, मुंडन भी मुझे ही करवाना है, मुझे हिस्सा ज्यादा मिलना चाहिए. ये क्या बात हुई, मुंडन मैं कर लूंगा, मुझे ज्यादा दे दो. अरे जो मिल रहा है उसमें लेकर खुश रहना सीखो, तुम लोगों को कर्जा देकर मैं गंजा हो गया हूँ. माल तो है, कहाँ गंजा हो गया? चल दिखाता हूँ.
सुनिए, आप सब नरेश जी के बच्चे हैं ना, साथ इससे बनेंगे, चार नहीं। अरे आप वो हम पे छोड़िए, दो बहनें हैं उनसे हम साइन करवा के ले लेंगे। मुंबई की बहन ने तो साइन भी कर दिया। हाँ, अब अमेरिका वाली बहन का साइन बाकी है, वो सुबह आ रही है, साइन कर देगी। पेपर का काम पूरा हो गया है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चेक कर लीजिए। और वो टॉनिक बाबा? सर, टॉनिक बाबा का कोई टेंशन नहीं लेना, उसने तो 10 साल पहले एनओसी दे दी थी, तभी तो कर्जा दिया था उन्हें। देखिए ना, इसमें एनओसी भी है। सर, बच्चों के लिए मिठाई ले लीजिए। अगर एक दिन भी लेट हुआ ना तो ये काम 1 साल के लिए टल जाएगा। लेट मत कीजिएगा, जल्दी से फाइल पास करवा दीजिए। अरे जब ये हाथ में आता है ना, सब काम हो जाता है। ये क्या है? मुझे नमो जी के घर उनके अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के बजाय इस जगह पर क्यों लेकर आ गए हो? एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। एक बात बताओ, तुम चेहरे पर क्रीम पाउडर वगैरह लगाती हो ना? हाँ, मैं मेकअप के बगैर ना कहीं जाती हूँ और ना कहीं आती हूँ। अगर मैं तुम्हें नमो दादा के घर ले जाता था तो मैं रोना पड़ता और तब तुम्हारे चेहरे का पूरा मेकअप उतर जाता, तब तुम क्या करती? अपने मन को संभाल के मैं शांत खड़ी रहती। ए, अगर तुम शांत रहती तो सब लोग तुम्हारे मुँह पर थूकते। अब इस सिचुएशन में भी तुम्हारा सारा पाउडर मेकअप उतर जाता, तब तुम क्या करती? अपना फोन दीजिए ना, मुझे अपने पापा को कॉल करना है। सॉरी, स्विच ऑफ, बैटरी डेड। छी, अच्छा तुम अपने आप को तो हीरो कह रहे थे ना, लेकिन मैंने तो तुम्हें कहीं पर भी नहीं देखा। मैं आम पब्लिक नहीं हूँ कि कहीं भी दिख जाऊँ, सेलिब्रिटी हूँ। तुम बहुत लकी हो जो मिल पा रही हो मुझसे। ए, मेरा मतलब वो नहीं है, टीवी पर, बड़े बड़े स्क्रीन पर, थिएटर में, पोस्टर पर, मैंने तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। ओ, ये बात है। एक्चुअली 4 फिल्मों की शूटिंग कर चुका हूँ। तो फिर रिलीज क्यों नहीं हुई? मेरी फिल्म में बाहुबली की तरह बहुत सारा ग्राफिक्स है, रिलीज होने में कम से कम 1 साल लगेगा। तब मैं अपने सभी दोस्तों से कहूँगी, मेरे भाई की फिल्म रिलीज हुई है, जाकर सभी लोग जरूर देखना। कैसा लगाऊंगा ना घुमा के कि सीधे अपने घर मुंबई में गिरोगी। दोबारा मुझे भाई मत बोलना। मेरे पापा ने ही तो कहा था ना कि तुम मेरे भाई के समान हो। अच्छा, और तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? दोस्त कहा था। सिर्फ दोस्त नहीं, लड़का दोस्त हूँ तुम्हारा। लड़का दोस्त, इसका मतलब क्या है? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, चाहिए तो ओनली फ्रेंड बन सकते हैं। हाँ, पहले ओनली फ्रेंड, फिर क्लोज फ्रेंड, उसके बाद बॉयफ्रेंड, हाँ फिर फाइनली बेस्ट फ्रेंड। टारगेट तक पहुँचने के लिए सिर्फ 2 स्टेज है। डन। अरे अरे, अब रोना बंद भी कर, बात को समझा कर, एक दिन सबको जाना है, कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। हे भगवान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जी। अरे तो क्या मतलब है? इतना रोने से तेरे पेट में मेरा जो बेटा या बेटी है, बाप मर गया है सोचकर बाहर नहीं आएंगे? कहेंगे बाप के मरने के बाद हम बाहर आकर क्या करें? अरे ऐसा मत कहिए जी, अभी अभी अपने पिताजी को खो चुकी हूँ, अब अपने पति को भी खो दूंगी तो मैं नहीं जी पाऊंगी। है ना, तो फिर चुप हो जा। याद है ना, डॉक्टर ने कहा है कि कल डिलीवरी हो जाएगी, इसीलिए तुम रेस्ट करो और खुश रहो। अगर रोती रहोगे तो मैं गाड़ी लेकर वहीं आ जाऊंगा, फिर तुम बैठना और चलना, फिर अपने बाप के सामने बैठकर धार मार मार कर रोना। मैं क्या करूं? अगर मुझे जाना होता तो मैं आपको क्यों भेजती? है ना, चुप। मैं हूँ ना, तेरे बाप के सामने बैठकर फूट फूट कर रोऊंगा और उसकी अर्थी को कंधा देकर उसे चिता पर रखकर उस पर घी छिड़क कर वापस घर आऊंगा। तब तक तुम मुझे फोन मत करना, अब फोन रख। हे भगवान, पता नहीं किस कमीने ने बनाया है ये फोन। पहले तो मेरी तुलसी रानी मेरे आने से आधा घंटा पहले ही आकर मेरा इंतजार करती थी, अब मुझे उसका इंतजार करना पड़ता है। अब पता नहीं उसका डिमांड बढ़ गया है या मेरा डिमांड कम हो गया है, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। हेलो, मिली क्या? अरे रख रख, तू यहाँ टेंशन पे टेंशन आते रहते हैं। रुक रुक रुक, फिल्मों में देखा था हीरो लड़कियों को ऐसी जगहों पर लेके आते हैं। स्नेहा, ए बेटा, स्नेहा बेटा, स्नेहा यहाँ भी नहीं है वो, क्या मुसीबत है यार, कहाँ लेकर गया होगा। चल 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 चल, भगा भगा जल्दी, फास्ट भगा, जल्दी चल, अब कहाँ ढूंढू उसको। मीनाक्षी, ओ जी, हमारी स्नेहा मिली क्या? अब क्या बताऊं तुम्हें, सिर्फ इसी गांव में नहीं, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं मिली वो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, उस लड़के पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे, उनका काम पूरा होते ही वो पक्का आ जाएंगे। मैं भी कब से फोन लगाए जा रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है, पुराना फोन है ना,
शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। ये कौन है? ये कुमार के पिता है। ओ, तो आप उस हीरो के बाप हो? वो अभी तक हीरो नहीं बना है, बस छोटे मोटे रोल करते रहता है। हीरो तो बन गया ना, मेरी बेटी को भगा ले जाकर हीरो तो बन ही गया ना। अब तक क्या क्या कर दिया। फिल्मों के जो हीरो होते हैं ना, वो सबसे पहले यही करते हैं। अरे भाई साहब जरा धीरे बोलिए, हमारे गांव के लोग सही नहीं है, इस बात को मसाला लगाकर बढ़ा चढ़ाकर फैला देंगे। आप क्यों डर रहे हैं? लड़की का बाप तो मैं हूँ, मैं तो हिम्मत से काम ले रहा हूँ। आप तो लड़के के बाप है, आपको ज्यादा हिम्मत दिखानी चाहिए। सारे फसाद की जड़ आप और आपका बेटा नहीं है, वो जो मरा है वो है। ए नमो, अगर दम है तो वापस जिंदा होकर दिखा, तब मैं तुझसे भी निपट लूंगा। रुकिए ना, कहाँ जा रहे हो आप? हेलो भाई, ये क्या तमाशा लगा रखा है, बाप बेटे ने मिलकर पूरे गाँव में। अरे मास्टर जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? आपको मुझ पर भरोसा नहीं है मास्टर जी। सर सर एक मिनट रुकिए। हाँ, ये कोई मामूली समस्या नहीं है सर। बाय चांस परसों हुए रेप और मर्डर केस में यही कुमार इन्वॉल्व हुआ होगा, तो क्या करेंगे? तो मेरे पहचान के एक इंस्पेक्टर हैं, चलिए उनके पास चलते। चलो चलो। भगवान मेरे बच्चे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह करो गिन 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 इंतजार। हाँ मास्टर जी के कहने अनुसार मुझे उस लड़की की कहानी भी खत्म लगती है। और तुम्हें क्या लगता है कमला? सर उस हाई स्कूल की लड़की दिव्या का खून अगर कुमार ने किया होगा तो इस लड़के का खून भी पक्का करेगा, ऐसा लगता है सर। हाँ क्या कमला? हाँ सर, हमें कुछ भी करके ये खून होने से रोकना होगा। इसे रोक के क्या फायदा होगा हमारा? आपका क्या मतलब है सर? देखो विमला, अगर ये लड़का कुमार इस शहरी लड़की का खून करता है तो इसका मतलब दिव्या का खून भी इसी ने किया होगा, समझ लेंगे। दो खून के केस और एक खूनी, ऐसा बताकर केस को क्लोज कर देंगे। उसके बाद मुझे डबल प्रमोशन मिल जाएगा, क्या कहते हो? सर हम में से कमला कौन है और विमला कौन है यही आप अभी तक नहीं जान पाए हैं, ऐसे में आपको प्रमोशन कैसे मिलेगा सर? देखो कमला, हमें कोई चीज हाथ में लेकर सोचकर इंतजार करते रहना बेवकूफी है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो यूनिवर्सिटी में चले जाओ, और अगर तुम्हें कोई प्रशस्ति चाहिए तो किसी भी फील्ड के एक पागल को पकड़ो, मिल जाएगा। और अगर तुम्हें फिल्मों का अवार्ड चाहिए तो हर साल एक फिल्म का अवार्ड देने वाला एक ट्रूप है, उसके मेंबर बन जाओ, मिल जाएगा, आसान है। सर हम वो सब लेकर क्या करेंगे? सर ये सब लेकर हम लोग क्या करेंगे सर? चलिए सर जाकर उस हीरो कुमार को ढूंढ मिला, हमारी प्रेजेंट स्टोरी का हीरो वही है सर। हाँ हाँ। स्नेहा, नारियल नीचे फेंक रहा हूँ। फेंको फेंको, मैं कैच कर लूंगी। कैच मिस मत करना। नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कैच मिस नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी थ्रो बॉल प्लेयर हूँ। इन सुंदर लड़कियों में दिमाग कम होता है ये सुना था, लेकिन इतना कम होता है ये नहीं पता था। ए, साइड हटो। तुम्हें पता है कुमार, मेरी बहुत सालों से एक ही ख्वाहिश रही है, नारियल को पेड़ से तोड़कर उसका फ्रेश और ताजा पानी पीने की। आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई तुम्हारी वजह से। ओ, मेरे भी यही है, मैं भी फ्रेश पसंद करता हूँ क्योंकि मैं भी फ्रेश ही हूँ। कुमार तुमने अभी तक किसी लड़की से प्यार नहीं किया? अरे नहीं बाबा, मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं है। ओ, तो क्या तुम अपने माँ बाप के पसंद की लड़की से प्यार और शादी करोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? प्यार करके भी क्या करती, मेरे पापा ने तो लड़का देख रखा है, मेरी उसी से शादी होने वाली है। ऑलरेडी एंगेज्ड? हाँ। वैसे तुम उससे भी प्यार कर सकती हो। अब उससे प्यार करके क्या करूँगी, ऑलरेडी हमारी शादी फिक्स हो चुकी है, बेकार में प्यार करके टाइम वेस्ट होगा। कोई फायदा नहीं है, ऐसी लड़कियों को समझना ही बेकार है। कुमार। हाँ? तुम मुझे कुमी बुलाओ ना। ओके कुमी। कुमार प्यार से सब कुमी कुमी बुलाते हैं।
कम 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 जाने मन कम कम सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए लड़ैया में क्या करूं जाने मन बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोहा गरम है हथौड़ा मारने की जरूरत है क्या कर रहे अरे पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे अंदर पिलाने में भी माहिर सुलाने में भी माहिर कमाल की हो तुम थोड़ी देर पहले फोन पर कुछ कह रहे थे ना कि लेट होने पर मेरा मूड खत्म हो जाता है अरे किस बेवकूफ ने ऐसा कहा लेट होने के बाद तो मेरा मूड और बढ़ जाता है एक बात बता जाने मन दिन पर दिन तेरा ग्लैमर बढ़ता जा रहा आखिर राज क्या है मैं बार बार फ्लेवर चेंज करती रहती हूँ कभी एप्पल कभी मैंगो तो कभी चॉकलेट मतलब मैं भी फ्लेवर चेंज करूंगा तो मेरा भी ग्लैमर बढ़ेगा ट्राई ना ठीक है जाने मन आ जा सारे के सारे फ्लेवर एक साथ टेस्ट कर लूंगा आ जा। अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे यहाँ आने की कोई और भी वजह है क्या वो क्या है कि तूने जो लड़का देखा है ना उसे तुम्हारी शादी होने वाली है उसके साथ शादी नहीं होने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पापा को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन मेरी मम्मी वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपको पसंद हो या ना पसंद हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है मैं अपनी बेटी की शादी अपने पसंद के लड़के से ही करवाऊंगी आपको जो सोचना है सोचिए मैं वही करूंगी जो मुझे करना है समझे अपने दिमाग में बिठा लीजिए शायद वो भी मेरी तरह ही होगा क्या कुछ नहीं मुझे सुनसान जगह पर क्यों लेकर आए हो मुझे बहुत डर लग रहा है अरे तुम ये क्या बोल रही हो मैं और मेरी फिल्म दोनों ए सर्टिफिकेट नहीं है पक्का यू सर्टिफिकेट है ओके ठीक है विष्णु इधर आ क्या है तुम अपनी औरत को किस नाटक कंपनी से पकड़ कर लाया है बताएगा ए नाटक कंपनी से नहीं लाया हूँ उसे श्याम ठाकुर ने कहा है अगर कोई घर में आए ना तो जोर जोर से रोना इसलिए वो फुट फुट कर रो रही है समझे अरे विष्णु पिताजी तो चल बसे हमारा हिस्सा भी तुम लोगों को ही मिलेगा फिर ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है ए तुझे समझ में नहीं आएगा चुप बैठ मुझे और भी काम है तू अपना काम देख तुम्हारे बाप के मन की खुशी तुम्हारे भाइयों के चेहरे पे चमक रही है कुमार तुम पढ़े कहाँ तक हो बीकॉम एवो एवो बीकॉम तो ठीक है पर ये एवो एवो क्या है ये एक टाइप का कोर्स है हाई टैलेंटेड लोगों के लिए होता है ये कोर्स ओह लेकिन अब ऐसा कोई कोर्स तो नहीं है ना होगा भी कैसे सोचो ना मैं ही अकेला टैलेंटेड बचा हुआ वैसे तुमने क्या किया है बी कंप्यूटर साइंस ओह हार्डवेयर हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर हाँ हाँ वही कह रहा था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है मेरे पापा भी मुझे हार्डवेयर इंजीनियर बनता देखना चाहते थे लेकिन अपनी अपनी किस्मत मैं हीरो बन गया लेकिन उनकी इच्छा मैं पूरी करूंगा ओह तो फिर तुम और आगे भी पढ़कर अपने पिता की इच्छा पूरी करते रहोगे क्या अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं तो फिर दो चार सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर्स को नौकरी पर रखूंगा पर इन इंजीनियर्स को काम पर रखकर तुम क्या करोगे ओए, ये कौन सा शू पॉलिश कर रहे हो तुमने बोला ब्राउन तो वही कर रहा हूँ पॉलिश मुझे समझ नहीं आता ये शू मेरे बेल्ट के साथ मैच नहीं करेगा मैंने ब्लैक बेल्ट पहनी हुई है ये ब्राउन शू है हाँ। ए, ये क्या है हाँ? फिर से खिचड़ी बना दी तूने चपाती बनाएगा ऐसा बोला था ना तूने ये गलत बात है तूने ठीक नहीं किया अरे सॉरी यार क्या करूं मैं वो कल रात शूट पर से लेट आया ना मैं और उठा भी लेट तो आज एडजस्ट कर लो कल पक्का चपाती बना दूंगा तेरी ये शूटिंग हमारी परेशानी बन चुकी है यार ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करके ना पिछले 5 साल से तुझे खाना पीना बाइक सब कुछ देकर पाल रहे हैं फिर भी आज तक तू एक भी पिक्चर में नहीं दिखा एक सीन तो छोड़ दे बैकग्राउंड सीन जूनियर आर्टिस्ट में भी नहीं दिखा अरे कभी पासिंग तक में भी नहीं दिखा ए, इसको अपनी फिल्म में हीरो कौन लेगा बे ए कुमार ना तुझे डांस ना फाइट ना एक्टिंग ये सारी चीजें छोड़ क्लोजअप सीन में भी रिएक्शन देना भी नहीं आता और खुद को हीरो समझता है ए सिर्फ हीरो हूं बोलकर सारे लोगों को उल्लू बनाता रहता है सही कहा तूने इसे कोई हीरो क्यों बनाएगा ऐसा क्या है तेरे अंदर दिखा दिखा दो स्मार्टनेस तू स्मार्ट है हाँ हीरो का मतलब स्मार्टनेस और स्मार्टनेस का मतलब हीरो एक हीरो ओवर स्मार्ट तब बनता है जब उसे कोई प्रोड्यूसर मिलता है
लेकिन मेरे केस में मैं तब से ही स्मार्ट हूँ जब मैं अपनी माँ के पेट में था। स्मार्टनेस मेरे रग रग में है। तो तुम लोग समझ गए होगे ना मैं कितना स्मार्ट हूँ। जब कैमरे के सामने आता हूँ तो किसी हीरो से कम नहीं लगता। मेरी फिल्म जब रिलीज होगी ना तो पोस्टर लगेंगे और मेरी फिल्म करोड़ों कमाएगी और हर जगह मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद बॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड। समझ आया? इसका कुछ नहीं हो सकता यार। कुमार अपनी आधी जिंदगी तो तूने ऐसे ही सपने देख देख कर बिता दी है। अब सपने देखना बंद कर, सुधर जा। हेलो हेलो इतना क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। अच्छा तुम किस लड़की से शादी करना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से मुझे जिससे शादी करनी है। नहीं पहले तुम बताओ तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? लड़का मेरी पसंद का हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे जो पसंद है वो मुझे करना है। वो क्या? पहले मुझे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद इंफोसिस विप्रो नाम की बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना है। मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, यही मेरा ड्रीम है। अब तुम बताओ तुमसे शादी करने वाली लड़की कैसी होनी चाहिए? पहले उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, फिर इंफोसिस विप्रो जैसी कंपनी में उसकी अच्छी नौकरी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात और वो तुम्हारी जैसी दिखनी चाहिए। ए, ये क्या है? तुम हर बार मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? यू इडियट। कुम्मी कुम्मी हे कुम्मी रुको ना। हा? कंफ्यूज मत होना, मैंने तुम्हें कुमार नहीं पुकारा, कुम्मी ही पुकारा है। शायद मुझे तुमसे थोड़ा सा लिटिल बिट वाला लव हो गया है। वाह कितना डेयरिंग है तुम्हें, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया ना? तो चलो एक काम करते हैं, चलो वहाँ अंदर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं है। चुपचाप चलता रहे, आया बड़ा। मेरी बात सुनकर शौक लगा क्या? और नहीं तो क्या। ओए किस लिए, अभी तो तुमने मुझे डेयरिंग वाली लड़की कहा था ना, तो डर क्यों रहे हो? चलो मैं हूँ ना। देखो कुम्मी मुझे तुमसे थोड़ा बहुत जो भी है प्यार तो हुआ है, तुम्हारी जगह पर अगर कोई और भी होता तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता। हा? इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना हम जहाँ मिले हैं वो जगह ही ऐसी है और मेरी उम्र भी ऐसी है, लेकिन ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मैं यहाँ अंतिम संस्कार में आई हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। तुम्हें पता है शहर में कॉलेज बंक करके थिएटर मॉल शॉपिंग हर जगह घूमती थी, तब मुझे हर जगह लवर्स जोड़ी में दिखाई पड़ते थे। उनमें से लड़कियाँ तो बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन लड़के अजीब और गरीब नजर आते थे। मैं सोचती थी कि इन लड़कियों का टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया है, लेकिन मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूँ तो मैं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि ना तुम उन सब से थोड़े बेटर हो, ठीक ठाक हो, नॉट बैड। ए, हीरो हूँ मैं। ए, तुम चुप ही रहो, मैं हीरो हूँ ऐसा कहकर मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरे माइंड में भी बैठ गया है कि तुम हीरो ही हो, पर तुम बार बार मैं हीरो हूँ ऐसा कहते रहोगे तो मुझे डाउट होने लगेगा कि तुम सच में हीरो हो या नहीं हो। डाउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं बोलूंगा। अब हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, अगर तुम कहो तो करके दिखाता हूँ। ओह तो फिर तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। कुम्मी हमने एक दूसरे से प्यार तो कर लिया है, तो हम दोनों को शादी करना चाहिए ऐसा भी कोई रूल है क्या? तुम्हारे पापा की जायदाद कितनी है उस पर डिपेंड करता है। क्या? डिपेंड, तुम्हारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी मर्जी है कि नहीं। आई लाइक इट यार, तुम्हें कुछ भी पूछो तो बड़ों को पूछना चाहिए कहते हो, इसीलिए मुझे तुमसे लव हो गया है जानू। मेरे करीब आओ ना, मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, अगर तुम कहो तो करके दिखाता हूँ। नहीं नहीं तुम दूर ही रहो। अरे अब क्या हुआ, तुम तो मुझे किस करने वाली थी। नहीं नहीं मैं तो बस मजाक कर रही थी। कुम्मी
अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट का ख्याल आए, हाथ पर और सीने पर स्नेहा स्नेहा मेरा नाम लिखने का ख्याल आए, कभी मुझे अपने खून से लव लेटर लिखने का ख्याल आए। हाँ, मैंने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया, इसीलिए मोबाइल के टावर पर चढ़कर सभी टीवी चैनल्स पर आकर देवदास या मजनू बनने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और उसके बाद कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। और हाँ, हम हाथ में हाथ डालकर पार्क थिएटर घूमेंगे, आइसक्रीम एक साथ ही खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव जाते वक्त दो सीट के होते हुए एक ही सीट पर बैठेंगे पास पास चिपक कर और मजे करेंगे। ये सब ख्याल अपने मन में कभी भी भूल कर भी मत लाना। तुम्हारे घर वाले तुम्हें जो भी लड़की दिखाए उसी से तुम शादी कर लेना, मैं यही तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ। ओके, वी आर ट्रू लवर्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे वाईफाई है ना? हाँ है, क्यों? लोग वाईफाई से मोबाइल अपडेट करते हैं और तुम्हारे पापा ने तुम्हें अपडेट किया है। बहुत सही वाली वर्जन हो तुम, एंड्रॉइड 8 हो या 9? मैं एंड्रॉइड फोन नहीं यूज करती, आई हैव विंडोज व्हिच इज बीन अपडेटेड टू विंडोज 10। हाँ, इसीलिए तुम ऐसी हो, इस तरह अपनी नहीं जमेगी। कुम्मी प्लीज नाराज मत होना, हमारे फ्यूचर में ये सब हो सकता है, ये सोच कर मैंने ऐसे ही कह। अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर अब दे दो। क्या चाहिए सर? आजा ठीक से सुन, ये जो मुर्दे के पास बैठकर मातम मनाते हैं ना, उसकी 4 CD लेकर आ। सर किस भाषा में? अबे कमीने, रोने धोने के लिए भी भाषा की जरूरत पड़ती है, 4 CD लेकर आ किसी भी भाषा में। ठीक है, जा जल्दी आना। आपके ससुर जी चल बसे हैं, आप उनका वहाँ चेहरा देखने नहीं जाएंगे क्या? चांद जैसे चेहरे को छोड़कर कोई मरा हुआ चेहरा देखने जाएगा क्या? अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और कोई उससे कह दे कि वो 1 मिनट में मरने वाला है, और उसके सामने अगर मैं तुझे खड़ा कर दूं तो वो तेरा चेहरा देखते ही 1 मिनट में 100 साल की जिंदगी जी लेगा, तुझे पता है? अरे तू तो वो आग का गोला है जिससे सारे तोप चलते हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? ऐसे रोमांटिक टाइम पर तू उस उजड़े चमन की याद क्यों दिला रही है? देख, उसका नाम लिया और उसका फोन भी आ गया। हाँ जल्दी बोल। अरे जी अभी कहाँ पहुँचे आप बताइए ना। अरे बस 5 मिनट में तुम्हारे गाँव पहुँच जाऊँगा। जल्दी जाइए वहाँ, मेरे पापा का चेहरा देखिए जी, कल मेरी बहन अमेरिका से आने वाली है। आने दो ना, आराम से आने दो। जी जाते जाते रास्ते से फूलों का हार लेकर मेरे बाबा पर चढ़ा देना। फूलों का हार नहीं, फूलों का पेड़ चढ़ा दूंगा। बाबा। एक उम्मी, सुबह से मुझे मेरे नाना के घर ले जाऊंगा बोलकर यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घुमाते ही जा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हम समंदर में डुबकी लगाकर मजा लेने वाले लोग हैं, हम प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचते, केवल आगे बढ़ते रहते हैं। ओहो क्या बात है, डायलॉग सुनने में अच्छा है बट उस पर अमल करना हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, तुम जैसे अब नॉर्मल लोगों के लिए ही ये सब सही है, मुझे बस एक टेंशन खाई जा रही है। तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है क्या? जी, पागल। अच्छा छोड़ो, बताओ ना क्या है प्रॉब्लम? आज नहीं तो कल मेरी सहेलियाँ मिलेंगी, तब वो लोग हमसे पूछेंगी अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ, फिर वो लोग अपनी लव स्टोरी के बारे में बताएंगे, अनीता मुझसे कहेगी कि मराठी मीडियम में वही प्राइमरी में पढ़ते समय अनूप ने मुझे चकली ला कर दी, इसीलिए मुझे उससे प्यार हो गया। फिर कॉलेज में पढ़ते वक्त लक्ष्मण ने मुझे मोबाइल दिलाया, ऐसा लक्ष्मी अपनी लव स्टोरी बताएगी, ये मेरी दोस्तों की लव स्टोरी होगी, कहने और सुनने में अच्छी भी लगती है, लेकिन मेरी क्या लव स्टोरी होगी, मैं किसी को क्या सुनाऊंगी। यही कि मेरे रिलेशन वाले का देहांत हो गया था, वहाँ बहुत सारे लोग आए थे और वहाँ सब रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए लड़ झगड़ रहे थे, इस दौरान मैं मरने वाले की शक्ल देखने के बजाय हीरो कुमार की शक्ल देखकर उस पर लट्टू होकर उससे प्यार कर बैठी, कितनी बेकार लव स्टोरी है। अरे जाने दो ना। नहीं कुम्मी, मुझे मेरी लव स्टोरी चेंज करनी है। चेंज? वो कैसे? तुम कल या फिर परसों मेरे शहर वाले कॉलेज में रेड रोज माइक स्पीकर सब लेकर आ जाना, ठीक शाम को 4 बजे हम सब क्लास खत्म करके घर निकलने लगते हैं, तब सारे स्टूडेंट वहीं रहते हैं, तब तुम मुझे रोककर एक हाथ में माइक पकड़कर दूसरे हाथ से रेड रोज देते हुए जोर से आई लव यू कह देना,
तब पूरे कॉलेज को हमारी लव स्टोरी पता चल जाएगी। मुझे किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपस में ही बात करते रहेंगे। कैसा रहा मेरा आइडिया? हाँ, एकदम सुपर सॉलिड आइडिया है। क्या क्या सपने होते हैं आजकल के लड़कियों के। चलो चलते हैं। तुम नॉनवेज तो खाती हो ना? मैं ऑयली फूड हमेशा अवॉइड करती हूँ। क्यों? फिगर मेंटेन करना होता है ना। तू इसी तरह फिगर मेंटेन करती रहना और मैं तुझे देखकर जोश में आता रहूंगा। हाँ बाप रे, रिमोट दे रिमोट। हाँ बोल जानू। कहाँ है आप? यही तुम्हारे घर। आप पहुँच गए क्या? तुम्हारे बाप के सामने तुम्हारे भाई तुम्हारी भाभियाँ सब बैठकर फूट फूट कर कितना रो रहे। हे भगवान, जल्दी से मेरे भाइयों के या मेरी भाभियों को फोन दीजिए ना, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं जानू, वो खुद तकलीफ में है, उन्हें जी भर कर रो लेने दो। जब सब क्रियाक्रम हो जाएगा तब मैं तुम्हारी बात उनसे करवा दूंगा। अब अगर चाहिए तो मैं उनकी आवाज तुम्हें सुनाता हूँ। सुनो सुनो, देखो कितना रो रहे हैं वो लोग। तुमने सुना ना? हाँ सुन लिया जी, सुन लिया। मैं कितनी बदनसीब हूँ जो वहाँ नहीं हूँ। मेरे बाबा ने सच में बहुत ही पुण्य काम किया है। आजकल जो बेटे होते हैं ना, पिता के मरने के बाद चाय पीकर बीड़ी भूखते रहते हैं और लोगों के मुंह पे धुआं छोड़ते रहते हैं। भगवान, ऐसे में मेरा भाई बाबा की बॉडी के पास बैठकर फूट के रो रहा है और मेरी भाभियाँ भी खाना पीना छोड़कर मेरे बाबा की डेड गाड़ी के पास बैठकर वो भी रो रही होगी जी। मेरी भाभियाँ कितनी अच्छी है। आजकल ऐसी बहुएं कहाँ मिलती है? आजकल की बहुएं तो सास ससुर ना हो ऐसे भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी भाभियाँ उनसे कुछ सीखना चाहिए। वो कितनी अच्छी है। मेरे बाबा बहुत नसीब वाले हैं जो ऐसे बैठे। तुम्हारे बाबा कितने नसीब वाले हैं मैं नहीं जानता। ये सब देखकर मैं खुद को नसीब वाला समझ रहा हूँ। अब जल्दी से फोन कट करो, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। मैं किसी की भी नहीं सुनूंगा, पूरा क्रियाक्रम करके ही घर लौटूंगा। अबे कोई अच्छी रस्सी लेके आना चाहिए था ना। ए, सीधा सीधा बांध, ऐसे लंबा लंबा बांध, थोड़ा चौड़ा भी। अरे जल्दी जल्दी करो यार। ए, अमेरिका वाली बहन आ गई। हाँ, पेपर सब तैयार है ना, चलो जल्दी साइन करा लेते हैं। इस पर साइन कर दो बहन, क्योंकि दो चार दिन के लिए सरकारी छुट्टी है। बेचारे वकील साहब कल से यहीं रुके हुए हैं, उन्हें जल्दी जाना है। इस तरह अपने काम के लिए किसी और को रुकाना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको भी बहुत सारा काम है। विटनेस के लिए मेरे पति की भी साइन चाहिए क्या? वकील साहब चाहिए क्या? चाहिए तो ले लीजिए, इतना जरूरी नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। नहीं चाहिए, रहने दो, जाने दो। शुक्रिया, मैं भी नरेश नामदेव जी की बेटी हूँ, ये याद रखने के लिए। अरे आ गई जोरो। आइए पापा बाबा करने। पापा पापा। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? चलो चलो देखते क्या हुआ। ए, रुको रुको, बंद करो ये सब। क्या हुआ डैड? क्या रे, घर में कोई मरा है और तू शादी करके आ गया? लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब मैंने थोड़ा ही मारा है, वो नमो दादा अपने आप मरे हैं और मैं तो बल्कि उनकी आत्मा की शांति के लिए शादी करके आ रहा हूँ। और अब हम लोग गोवा जा रहे हैं हनीमून के लिए। ये तू क्या कह रहा है? इसके पीछे एक फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक? कैसा फ्लैशबैक? उस दिन नमो दादा बहुत ज्यादा टेंशन में थे। क्या टेंशन है दादू? क्या बताओ कुमार, मुझे हनीमून के लिए गोवा जाने की बहुत इच्छा थी,
पर मैं नहीं जा पाया। कोई बात नहीं दादू, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अबे मेरी औरत मर चुकी है। अथू, मैं किसी लड़की से शादी करूंगा और उसके साथ हनीमून जाऊंगा। अब आप चाहे जिंदा रहो या मर जाओ, आपकी इच्छा पूरी करूंगा। ठीक है, चले जाना। तो ये बात है, पता नहीं और कितने फ्लैशबैक हैं तेरे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके मरने से पहले तू ये करता ना, तो शायद अपनी पूरी जायदाद वो तेरे नाम कर देता। छोड़िए डैड, मुझे नहीं चाहिए। स्नेहा, ये सब क्या है? पापा, ये अब मेरा हस्बैंड है और मैं इसकी वाइफ हूँ। हमारी ना शादी हुई है, हम हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। अरे पर बेटी, हम यहाँ किस काम के लिए आए थे और ये तूने क्या कर डाला? ये सब कुछ नहीं जानती पापा, नमो दादा के अंतिम संस्कार का काम आप देखिए, गोवा जाकर हनीमून मनाने का काम हम करेंगे। आहा, एक ही दिन में तूने मेरी मासूम बेटी की बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी। ए बेटा, चाहे तू हनीमून के लिए गोवा चली जाना या ऊटी चली जाना, लेकिन तूने इससे शादी क्यों की? नहीं पापा, इससे शादी करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मतलब? वो क्या हुआ ना, मैं और कुम्मी एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तब ना दुष्यंत और शकुंतला नाम के किसी जमाने में दो प्रेमी थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने गंधर्व विवाह किया। मतलब? गंधर्व विवाह मतलब गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व की जय हो, गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व की जय हो, गंधर्व सेना की जय हो, जय हो। कौन है रे तुम लोग? फ्रेंड्स। नहीं नहीं, हम लवर्स हैं। हाँ लवर्स। नहीं नहीं, फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स। तुम्हारा नाम क्या है? कुमार, लोग प्यार से मुझे कुमी कुमी बुलाते हैं। और ये लड़की तुझे क्या बुलाती है? कुमी नहीं, कुमार बुलाती हूँ। हाँ कुमार बुलाती है। नहीं कुमी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वी जस्ट केम फॉर अ मॉर्निंग वॉक। हिंदी में? हम वो सुबह की सैर करने के लिए यहाँ आए हुए थे। जिस काम के लिए आए थे हुआ क्या? अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। क्या भाई? वॉकिंग वॉकिंग। भाई मुझे तो लगता है ये लोग वॉकिंग करने नहीं, इधर स्लीपिंग करने को आए थे। ए मंगल सूत्र दे, चल लड़की को पहना। सर, हम यहाँ शादी करने नहीं आए हैं। मुझे पता है तुम लोग यहाँ शादी करने के लिए नहीं आए हो, इसलिए हम शादी करवा देते हैं। कल को मुझे इससे शादी करनी पड़ सकती है और तेरे जैसे कि मेरी किसी बहन से शादी हो सकती है, और फिर तब इनकी भी जिंदगी तबाह हो जाएगी और मेरी भी। इसीलिए मैं किसी भी लड़की की जिंदगी तबाह नहीं होने देना चाहता हूँ। चलो दोनों शादी करो, चल बांध इसे। सर ये तो दादागिरी है। ये दादागिरी है, चुपचाप शादी करेगा या ये खाएगा। गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व सेना की जय हो, गंधर्व सेना जय हो, गंधर्व सेना जय हो, गंधर्व सेना जय हो, गंधर्व सेना की जय हो। पापा यही सब हुआ? अरे बेटा, कोई और संघ के लोग होते तो तुझे दो ऑप्शन देते, या तो फिर शादी करो नहीं तो राखी बांधने को कहते। मुझे सेकंड ऑप्शन दिया ही नहीं, अगर वो मुझे देते तो मैं इसे राखी ही बांधती। ठीक है, कोई बात नहीं है बेटा, लेकिन ये तुम्हारे लायक तो है ना? अब मैं क्या बताऊं इन्हें। हाँ, ये मेरे लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ा था और नारियल पानी तोड़कर पिलाया पापा। हाँ? पर आपने कभी भी पेड़ पर चढ़कर मुझे नारियल पानी तोड़कर नहीं पिलाया। कल शाम को मुझे बहुत ठंड लग रही थी पापा, तब इसने अपना जैकेट मुझे दिया। हाँ? और आप घर में पड़ी बेडशीट ही उड़ाकर सुला देते थे मुझे। और हाँ, आप पर भरोसा करने से ज्यादा, मम्मी पर भरोसा करने से ज्यादा, भैया पर भरोसा करने से ज्यादा, इस कुम्मी पर भरोसा करने का मन किया पापा। हुँ? ये मेरा ख्याल रखिएगा पापा, मैंने सही इंसान से शादी की है। नहीं बेटा, इस पर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं, वो अभी अनमैच्योर्ड बच्ची है। हाँ, मैं एक अनमैच्योर्ड बच्ची ही हूँ। डैड, मैं भी एक बच्चा ही हूँ।
बच्चा बोलकर न जाने कितने बच्चे पैदा कर चुका है। अरे नहीं नहीं डैड, क्या बोल रहे हो? क्या रे, औरतों को अपनी जागीर समझता है? मारो, बहुत दिनों की जिंदगी के साथ खेलता है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। मास्टर, हे मास्टर, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? क्या रे, मेरी स्टूडेंट का रेप करके उसका मर्डर किया, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब इसकी भी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है कमीने? जान से मार दूंगा तुझे। देखिए सर, यही है वो कातिल, इसे अंदर कर दीजिए। इन कमीनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, या फिर इसे पब्लिक के हवाले कर दीजिए, पत्थर से मार मार कर जान ले लेंगे। अच्छा। अरे ये कैसा घटिया स्कूल मास्टर, एक हीरो एक सुपरस्टार की इंसल्ट कर रहा है। इट टू मच नहीं है, फोर मच है। मास्टर जी, इसे फांसी पर चढ़ाना है या पब्लिक के हवाले करना है, ये बाद में डिसाइड करेंगे। पहले ये बताइए, ये घड़ी किसकी है? मेरी नहीं नहीं, मेरी नहीं है। हा? मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की बच्चे हमारे आनंद मास्टर जी के हाथों पढ़ लिख कर बड़े हुए, जब भी पैसों की तंगी होती तो वही फीस देते थे। ऐसा कोई भी नहीं साहब जिस पर शक करे। सर ये घड़ी बहुत महंगी और रेयर है, ये घड़ी कंपनी अब बंद हो चुकी है, इसके पार्ट्स मिलने बहुत मुश्किल है। और आप जो ये चेन लाए ना सर, ये इसी घड़ी का है। ये घड़ी बंद हो गई थी और रिपेयरिंग के लिए परसों ही मेरे पास आनंद मास्टर जी ने रिपेयर के लिए दिया था। तो मिस्टर देव कुमार, अगर मास्टर जी ये घड़ी लेने आते हैं तो इसे मुंबई में रिपेयर के लिए भेजा है कह देना, ये दोनों मैं रख लेता। ओके सर। मिस्टर आनंद, टाइम क्या हुआ है? सॉरी सर, मैं वॉच यूज नहीं करता। इस दरिंदे को या तो फांसी की सजा दे दो या पब्लिक के हवाले कर दो। इन्हें किसी के हवाले करने से क्या फायदा, हमारी बेटी तो हमें वापस नहीं मिलेगी ना। राज सरकार वाले सुबह होते ही टीवी पर रेडियो पर बोलते रहते हैं, आपकी बेटियों को स्कूल भेजिए स्कूल भेजिए, पर उन्हें क्या पता है कि उनके बनाए हुए स्कूल में ऐसे घटिया नीच मास्टर पढ़ाते हैं। मैंने सोचा था मेरी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी, इसीलिए मैंने इस टीचर पे भरोसा किया और इसने उस भरोसे को तोड़ दिया, मेरा विश्वास तोड़ दिया, इसीलिए अब इस पर कौन कैसे भरोसा करेगा? ये मेरे बेटे का कातिल है। हाँ, हवलदार। यस सर। इधर आ। सर, और ये टॉनिक बाबा? तू आ, वो कहीं नहीं जाएगा। ओके सर। मैं भी कल से इसे यही कह रहा हूँ कि तू जा अपना काम देख, वो सब काम छोड़ करके मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं कोई आइटम हूँ जो मेरी पीठ देखता रहता है? मैं इसीलिए बैठा हूँ क्या? मुंह देखने से ही कोई उल्टी कर देगा और तू पीठ देखने की बात कर रहा है, पागल कहीं का। सर, आपकी कमला और विमला कहाँ है? उन्हें आज ही ट्रांसफर मिल गया, वो लोग चले गए और मैं यहीं रह गया। मैं हूँ ना आपकी कंपनी के लिए। क्या कंपनी देगा? शक होने लगा था। हीरो और विलन के बीच में डिफरेंस नहीं पता इनको। जब तुम मेरी बेटी को बाइक पर साथ ले जाने के लिए तैयार हुए तब मैंने तुम्हारी अच्छाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी तरह से पेश आया। मैं अपनी भूल की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे साथ जो किया ना वो दोबारा किसी के साथ भी नहीं करूँगा। बेटा इधर आ, इधर आ। फिलहाल तुम्हारी हालत कैसी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आगे जरूर अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी की जिम्मेदारी अब तुम पर है और मैं भी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। बेटा ये लो 50 लाख का चेक, और भी जरूरत पड़े तो मांग लेना, ठीक है? दादा अंदर खांस रहे हैं, कोई उन्हें पानी पिलाओ। ए, तू ही पानी पिला देना। हाथ गीले होने के बाद अगर मोबाइल छूऊंगा तो मोबाइल हैंग हो जाएगा। बाबूजी। हे हे,
जान मरने के बाद खातिरदारी कर रहे हो? ये तो जिंदा हो गए। बाप रे, ससुर जी का भूत आ गया। दादाजी जिंदा हो गए, अब मेरे माँ बाप रास्ते पर आएंगे। ए, दद्दू जिंदा हो गया रे। हैं? ये तो भगवान का कोई चमत्कार है। परसों ना दादा सपना देख रहे थे और आज नींद से जाग गए। बाबूजी, बाबूजी। ए टॉनिक बाबा, क्या पिलाया था? काढ़ा पिलाया था। ओ, क्या था उसमें? मैंने नीम, अश्वगंधा, इमली का रस, कड़ी पत्ता, बेलपत्र, शहद, देसी गाय का दूध, इस तरह से 34 जड़ी बूटियों का मिश्रण था बाबूजी। तूने जो काढ़ा पिलाया था उसकी वजह से तुम्हें मरने से बचा। मतलब तेरा काढ़ा पीने से पहले कल लायर को मैंने घर पे बुलाया है, जायदाद बराबर से सब में बांट दो। बाबूजी, मैंने एक नया काढ़ा बनाया है, आओ पियो ना। आप पीला। ये पी लो बाबूजी। यही सब कुछ हुआ था? ये तो मुझे नहीं पता, तेरा काढ़ा पीने से ही तो मैं बचा, नहीं तो इस धरती पर मैं जिंदा खड़ा नहीं होता। बाबूजी। पापा। बाबूजी, मुझे पता था आप 100 साल तक जियोगे, को कुछ नहीं हो सकता। मुझे पक्का पता था आप 100 साल तक जियोगे। तो क्या मैं सचिन तेंदुलकर की तरह डबल सेंचुरी मार कर रहूंगा, ये अपनी पत्नियों को बता दो। हमारी किस्मत ही खराब थी। आ जाओ, दद्दू से आशीर्वाद लेते हैं। दद्दू, आशीर्वाद दो। ए, तेरी औरत है क्या? हाँ दद्दू, हमने शादी कर ली है और हनीमून के लिए गोवा जा रहे हैं। एक बात बता, तेरा टारगेट शादी था या हनीमून? अरे कैसी बात कर रहे हो दद्दू, अब हमने शादी कर ली है तो हनीमून मनाने जाऊंगा ना। खुश रहो, दूधो ना, पूतो फलो। वैसे तू तो इसमें एक्सपर्ट ही है। अब तक स्नेहा हमारे घर की बेटी थी, पर अब से आपके घर की बेटी है। आप इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, यह मेरा विश्वास है। अब हमें आज्ञा दीजिए। मैं हूं ना, तुम सब निश्चिंत रहो। अपना ख्याल रखना बेटा। सॉरी मम्मी। कोई बात बेटा, अपना ख्याल। सॉरी पापा। अब हम लोग चलते हैं बेटा। मेरे ससुराल वाले कितने इमोशनल हैं। ससुर जी तो सुपर हैं। अच्छा बेटा, मैं तुम कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम तक पढ़ा हूँ। सिर्फ बीकॉम किया है या उसके अलावा भी कोई कोर्स किया है? हाँ किया है ना, बीकॉम। एओ का मतलब? इसका मतलब होता है हाईली। बहुत ही आसान है संधि जी, ये नालायक बीकॉम का एग्जाम अप्रैल में देता है, फेल हो जाता है, अक्टूबर में देता है, फिर फेल हो जाता है। अप्रैल अक्टूबर, अप्रैल अक्टूबर, पिछले 5 साल से यही करता आ रहा है, वही है बीकॉम एओ। मतलब तुमने इंजीनियर को काम पर नहीं रखा है। ये हाईली टैलेंटेड लोगों का कोर्स है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बेटा चलता हूँ बेटा। डैड, ये क्या किया आपने? अगर वो चेक वापस ले लेते तो? ए सुधर जा, बहुत मेहनत से पटाया इसे, समझे आप? अल्ले अल्ले मेली जान। अरे बाप रे, फोन दो। ए, फोन करके क्यों टॉर्चर कर रही है? मैं तुम्हारे बाप के अर्थी के पास हूँ। सही में क्या तुम्हें डाउट हो रहा है? दू क्या उस बुड्ढे को फोन। ए, मैं फोन पर ही हूँ। तेरे बाप की आत्मा तेरे में घुस गई क्या? मैं मरा नहीं हूँ बदमाश, मेरी बेटी ने फोन मुझे लगाया है। हे भगवान, ससुर जी आप मरे नहीं क्या? मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूँ। ससुर जी बस में पहुँच ही रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। मेरे घर पे मत आना, अब फोन रख। ससुर जी, ए ससुर जी। ये तहसीलदार यहीं आ रहा है। मरने की खबर मिली होगी ना? हाँ। राशन कार्ड से ना। कैसे हैं नरेशनाम देवी? जवान हूँ, इस हट्टे कट्टे आदमी को देखकर आपको कैसा लगा? आपकी उम्र बहुत लंबी है। मैंने जो कहा था वो किया क्या? इस पेपर पे साइन कर दीजिए। हमने आपका काम कर दिया है और आगे का काम अब आपको ही करना है। बाबूजी, सारे कागजात संभाल कर रखिएगा। निश्चिंत रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। बाबूजी, आपने किस पेपर पे साइन किया? तू क्या करेगा ये जानकर? हम लोग तुम्हारे बच्चे हैं, हम जानना चाहते हैं। मुझे क्या करना है मुझे पता है, तुम लोगों का बाप हूँ। ए बाबूजी, आपके मरने के बाद इस घर के हम भी मालिक हैं, इस घर पर हमारा भी हक है। मिस्टर नमो, मैंने इन्हें गोद लिया है, 10 साल से मैं इन्हें पाल रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे सब कुछ जानने का हक है। किस पेपर पे साइन किया बता?
मेरा पूरा नाम नरेश नामदेव है। लोग मुझे प्यार से नमो बुलाते हैं। मैंने अपनी सारी जायदाद स्कूल के लिए दान दे दिया। क्या यार नमो, मैंने जो कर दिया, मेरे बाप ने जो कर दिया, सब तूने एक झटके में दान कर दिया। मेरे पूरे खानदान की वाट लगा। नो रिएक्शन। चलो दादू, ये रिबन काटो। अरे मैं काट के क्या करूंगा बेटा, ये स्कूल मैंने लड़कियों की भलाई के लिए बनवाया है। मुझसे मत कटवाओ, किसी लड़की से कटवाओ। लड़की 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 लड़की, हाँ इधर आओ। चलो यहाँ से कैंची उठाओ। गौरी बेटा, हम तेरी बेटी को तो बचा नहीं पाए, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसी वजह से मैंने स्कूल बनवाया है। सबको मेरा प्रणाम। ए पुलिस बेटा, इस स्कूल में एक कैमरा लगवा देना। मैं आ गया हूँ ना, तो कैमरे की क्या जरूरत है? अच्छा। टॉनिक बाबा, तुम्हारे दिए हुए काढ़े से मुझे बेटा हुआ है, देखो। अच्छा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे बेटे ने तो मुझे जिंदा किया, उसके लिए बेटा पैदा करवाना तो बाएं हाथ का खेल है। ए माली जी, माली वहाँ तक फूल के पौधे लगवा देना। ठीक है, बाकी काम वाले कहाँ? सब यहीं पर है। जी बाबूजी। मैंने अपनी जिंदगी में तेरे जैसा निकम्मा कहीं भी नहीं देखा। तुम्हारे जैसे लफंगे से इतनी अच्छी लड़की कैसे पटी, और उसने तुझसे शादी भी कर ली। अरे उसने कहा की, मैंने उसे पटाया। मतलब? नमस्ते सर। अरे अपना यार यार, कैसी लगी हम सब की एक्टिंग? बस इतना ही? अबे मैंने एक्टिंग के लिए कहा था, ओवर एक्टिंग के लिए नहीं। मार क्यों रहा है यार? यही था ट्विस्ट। आ,